कम हो रहा प्रभास की कल की 2898 एडी का क्रेज, 14 विलेन फिल्म को बड़ा झटका। प्रभास की कल की 2898 एडी को लेकर तगड़ा बस बना हुआ है। फिल्म को रिलीज हुए 14 दिन हो चुके हैं। प्रभास की फिल्म हर दिन के साथ कई बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बना रही है। जल्द ही फिल्म तीसरे वीकेंड में एंट्री लेने वाली है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि प्रभास की पिक्चर अच्छा परफॉर्म करेगी। हालांकि दुनिया भर से फिल्म को शानदार रिस्पांस मिल रहा है। वर्ल्ड वाइड फिल्म 900 करोड़ का आंकड़ा 2 दिन पहले ही पार कर चुकी है। जल्द ही 1000 करोड़ के क्लब में एंट्री हो जाएगी। हालांकि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को 14 दिन तगड़ा झटका लगा है। नाग अश्विन की फिल्म में 3 अलग अलग दुनिया को दिखाया गया था, जो है काशी कॉम्प्लेक्स और संबाला। हाल ही में उन्होंने इसके सीक्वल को लेकर फैंस को अपडेट दिया था। ऐसी जानकारी भी मिली है कि दूसरे पार्ट में भी प्रभास और अमिताभ बच्चन के बीच टक्कर देखने को मिल सकती है। इस फिल्म में अक्षय थमा वैरवा पर भारी पड़ते हुए नजर आए हैं। प्रभास की कल की 2898 एडी के 14वें दिन के आंकड़े सामने आ गए हैं। sacning.com की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 14वें दिन कुल 7.5 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है, जहां तेलुगु में 1.7 करोड़ छापे गए हैं, तो वही तमिल में 0.55 करोड़, हिंदी में 4.75 करोड़, कन्नड़ में 0.1 करोड़ और मलयालम में 0.4 करोड़ रुपए की कमाई की गई है। हालांकि 13वें दिन के मुकाबले फिल्म की कमाई में 14% की गिरावट देखी गई है। हालांकि फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ये अब तक की सबसे कम कमाई है। इसी के साथ फिल्म ने भारत से कुल 536.75 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है। वही फिल्म ने तेलुगु भाषा में सबसे ज्यादा कमाई की है, जो 252.1 करोड़ रुपए है। वही हिंदी में कुल 229.05 करोड़ रुपए छाप लिए है। बात तमिल, कन्नड़ और मलयालम की करें तो फिल्म ने तमिल में 31.55 करोड़, कन्नड़ में 4.4 करोड़, मलयालम में 19.65 करोड़ की कमाई कर ली है। हालांकि ये सभी भाषाओं का अब तक का कुल कलेक्शन है। साइंस फिक्शन के संसार में माइथोलॉजी का एंगल शानदार फिल्म है कल की 2898 एडी। भारत के सबसे बड़े एपिक महाभारत से निकले किरदार, हिंदी और साउथ सिनेमा के सबसे बड़े स्टार्स और एक कहानी जिसके जबरदस्त एक्शन में इमोशन कभी भी कमजोर नहीं पड़ता। कल की 2898 एडी एक सच्ची इंडियन एपिक फिल्म है। सबसे आइकॉनिक इंडियन फिल्मों को उठाएंगे और उनके रिव्यू देखिए। हर एक भारतीय सिनेमा फैन की नसों में घुल चुकी रमेश सिप्पी की शोले हो या एसएस राजामौली की ऑस्कर विनर आरआरआर, हर फिल्म में कमियां तो मिल ही जाती है, लेकिन इन आइकॉनिक फिल्मों के आइडिया इतने यूनिक और बोल्ड थे, जो इन्हें अपनी तरह का पहला सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट बनाते थे। कल की 2898 एडी भी ऐसी ही फिल्म है, और क्यों है ये यकीन करने के लिए इसे देखना बहुत ही जरूरी है। कल की 2898 एडी ने प्रभास को बाहुबली के बाद अपने स्टारडम का लेवल मैच करने वाला एक रोल दिया है। इसमें महानायक अमिताभ बच्चन को भी किरदार मिला है, जो उनके कद के साथ न्याय करता है। ये फिल्म दीपिका पादुकोण को मिले टाइप इंडियन एक्ट्रेस के टैग को जस्टिफाई करती है और दिखाती है कि कमल हसन को क्यों उलगना यागन यानी यूनिवर्सल स्टार कहा जाता है। पर इन सबसे बढ़कर कल की 2898 एडी इंडियन कल्चर में गहराई से रची बसी ऐसी एपिक कहानी लेकर आई है, जिसे बड़े पर्दे पर देखते हुए सांस थम जाना, पलकें ना झपकाना जैसी फीलिंग महसूस होती है। फिल्म शुरू होती है दुनिया का पहला शहर कहे जाने वाले काशी से, जो अब दुनिया का आखिरी बचा हुआ शहर है। मगर ये शहर भी कितने दिन सांसें ले पाएगा ये तय नहीं है। काशी में उल्टे पिरामिड की शक्ल के एक कॉम्प्लेक्स का दरवाजा है, जहां पानी, साफ हवा, फल फूल जैसे सारे नेचुरल रिसोर्स से तबाह हो रही दुनिया के लोगों के लिए कल की 2898 एडी के लीड किरदार वैरव के लिए ये कॉम्प्लेक्स एक सपना है। ये संसार के अंतिम तमाशे से लोगों को बचा पाने वाला एक मॉडर्न मोक्ष है। काशी के डिस्टोपियन संसार की करंसी का नाम है यूनिट, और कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए या तो 1 मिलियन यूनिट्स चाहिए या फिर वहां के सर्वेश्वर कैप्टन मानस की कृपा। बिना किसी दुनियावी बंधन के सिर्फ अपने लिए जीने वाला वैरव 1 मिलियन यूनिट्स जुटाने की जद्दोजहद में है। कॉम्प्लेक्स का एक डार्क सीक्रेट है, वहां का अपना एक अलग भगवान है, सुप्रीम यास्किन। वो खुद किसी बड़े कल की तैयारी में है, जिसके लिए उसे एक
बायोकेमिकल कंपाउंड चाहिए जो 4 महीने प्रेग्नेंट औरतों के शरीर में पाया जाता है, और कोई एक खास महिला एक बच्चे के साथ प्रेग्नेंट होगी जिसके शरीर में मिला है ये कंपाउंड या स्किन को अति शक्तिशाली बना देगा। इस डिस्टोपियन संसार में अधिकतर महिलाएं इनफर्टाइल होने लगी है, यानी वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, और जो फर्टाइल है कॉम्प्लेक्स उन्हें एक्सपेरिमेंट के लिए रख लेता है। उन्हें आर्टिफिशियली गर्भवती किया जाता है और 120 दिन पूरे होने का इंतजार किया है। कंपाउंड मिला तो ठीक है, वरना महिला की जान तो जाती ही है। इस कॉम्प्लेक्स में एक टेस्ट केस SUM-80 माँ बनने को लेकर बहुत ही इमोशनल है और अपनी प्रेगनेंसी छुपाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन उसे नहीं पता कि इस बच्चे का इंतजार सिर्फ उसी को नहीं एक पूरे संसार को है। जो कॉम्प्लेक्स की नजरों से छिपा एक रहस्यमय संसार है सवाला, जहाँ के लोग अभी भी ईश्वर जैसी चीज में आस्था रखे हुए हैं। वह अब कॉम्प्लेक्स में एंट्री के लिए SUM-80 को पकड़कर मानस के हवाले करना चाहता है। मानस खुद भी उसकी तलाश में जुटा हुआ है और यस्किन का पूरा प्रोजेक्ट के इसी पर बेस्ड है। मगर इन सब के रास्ते में एक रक्षक है जो सैकड़ों सालों से सिर्फ इस बच्चे की रक्षा करने के मकसद से इंतजार कर रहा है। अश्वत्थामा कौन आपने मकसद में कामयाब होगा और कौन नहीं? प्रचंड योद्धा अश्वत्थामा क्यों इस बच्चे की रक्षा करने में इतना डटा हुआ है? एक प्राचीन संसार से इस डिस्टोपियन संसार तक प्राचीन शक्तियों के खेल में क्या वैरव सिर्फ एक सेल्फिश बाउंटी हंटर भर है? ये सारे जवाब फिल्म देखने पर अनलॉक होते हैं और जिस तरह से खुलते हैं उसे देखकर आपका मुंह खुला रह जाएगा। कल की 1988 के पहले फ्रेम से डायरेक्टर नागाश्वी ने एक दिलचस्प संसार रचा है। डिस्टोपियन वर्ल्ड की सेटिंग में काशी की डिटेल सारे रिपोर्ट से भरपूर कॉम्प्लेक्स का हाईटेक संसार इंटरेस्टिंग लगता है। वैरव का बाउंटी हंटर परसोना इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन फर्स्ट हाफ में उसकी पूरी स्टोरी और कॉमेडी थोड़ा सा पकाते हैं। इसे एंजॉय करने के लिए प्रभास फैन होना एक अनिवार्य शर्त है। इंटरवल की तरफ आते हुए समझ आता है कि नागाश्विन ने असल में अपनी हीरो और कहानी को सेट करने के लिए पहले से केयरलेस और कुछ हद तक बचकाना माहौल बनाया है। साइंस फिक्शन वाले इस संसार में माइथोलॉजी के एंगल के साथ कमल हसन के आते ही माहौल बदलने लगेगा और आप चेयर पर सीधे बैठने लगेगी। इंटरवल से ठीक पहले अमिताभ बच्चन की एंट्री होती है। फिल्म का माइथोलॉजिकल एंगल यहाँ पर पिक होता है और कहानी का रहस्य पूरा गहरा हो चुका है। कल की 1988 का सारा दम सेकेंड हाफ में ही दिखता है। फर्स्ट हाफ के बनाए प्लेटफॉर्म से फिल्म की कहानी जिस तरह ऊपर उठती है और महाभारत के युद्ध से होते हुए अभी के किरदारों में खोलती है, उसे देखते हुए सांस थम लेने वाली फीलिंग महसूस होती है। फिल्म का क्लाइमैक्स बिल्कुल अकल्पनीय और अद्भुत है। आखिरी के आधे घंटे में आपको महाभारत की झलक या प्रभास के किरदार का बड़ा ट्विस्ट और कुछ बेहद शानदार कैमियो देखने को मिलते हैं। एक बाहुबली कॉलबैक फर्स्ट हाफ में भी है जिसे देखकर मजा आता है। नागाश्विन के मॉडर्न सिनेमा टेक्निक से जनरेटेड विजुअल्स के जरिए माइथोलॉजी को जिस तरह डेवलप किया है उसके लिए तारीफ बनती है। फर्स्ट हाफ के बीच में खींची हुई स्पीड और गैर जरूरी सीन्स में बर्बाद हुआ टाइम छोड़ दे तो कल की 1988 एक जबरदस्त एंटरटेनिंग फिल्म है। सेकेंड हाफ में फिल्म ऐसी दमदार हो जाती है कि आपका ध्यान जरा भी नहीं भटकता। कल की 1988 के विजुअल से तो बहुत ही इम्प्रेसिव, लेकिन VFX में अभी भी सुधार की थोड़ी सी गुंजाइश नजर आती है, खासकर उन हिस्सों में जहाँ किरदार हवा में उड़ते दिखते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा लैग फील होता है। हिंदी में फिल्म की डबिंग ठीक ठाक है, लेकिन डायलॉग्स पर ट्रांसलेशन का असर दिखता है। कई लाइनें एकदम एफर्टलेस नहीं फील होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे फिल्म देखने के एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा प्रभावित हो। संतोष नारायण का म्यूजिक स्टोरी टेलिंग को वो पूरा माहौल देता है जो इस तरह की फिल्म को चाहिए था। हालांकि गानों में म्यूजिक तो अच्छा है, लेकिन लिरिक्स और बेहतर होता तो और ज्यादा दमदार माहौल बनता। अमिताभ बच्चन का अपीयरेंस, उनके किरदार की राइटिंग और उनका खुद का शानदार काम देखकर आपको 70s और 80s की वो झलक मिलेगी जब अमिताभ बड़े पर्दे पर राज करते थे। वैसे कल की 1988 को अगर एक्ट्रेस के हिसाब से देखें तो अमिताभ की फिल्म ज्यादा है और प्रभास की कम। प्रभास का किरदार आखिरी आधे घंटे में एपिक हो जाता है, हालांकि शुरू से वो अपने किरदार की राइटिंग के साथ पूरी सिंक में दिखते हैं। दीपिका का स्क्रीन टाइम कम है, मगर ये उनके रोल की डिमांड है। वो जब स्क्रीन पर होती है अपने एंड पर दमदार लगती है। कमल हसन के रोल को लंबा कैमियो कहा जाता है, मगर
फिल्म में उनका हर मोमेंट आपको एक टेंशन फील कराता है। उन्होंने यास्किन को एक भयानक विलन बना दिया है। पोस्ट क्रेडिट सीन में तो उन्हें देखकर आप सन्न रह जाएंगे। शाश्वता चैटर्जी ने अपने नेगेटिव रोल में जिस ठहराव के साथ एकदम भावना शून्य एक्ट किया है वो इम्प्रेसिव है। कल की 2898 को इस बात के लिए थिएटर्स में देखा जाना चाहिए कि आज के विजुअल लैंग्वेज इंडियन कल्चर की ग्रेटनेस को कितना शानदार दिखा सकती है। फिल्म के पहले एक घंटे को थोड़े से सब्र के साथ देखने के बाद आपको वो ग्रैंड तमाशा देखने को मिलता है जिसकी उम्मीद फिल्म के फर्स्ट लुक से ही आपको रही होगी। हमने इंडिया में ऐसी फिल्म बना ली है, ये यकीन करने के लिए कल की 2898 जरूर देखे जाने लायक फिल्म है। कैन वी मेक सम मोर नॉइज गाइस फॉर दिस वंडरफुल कास्ट। Firstly, a huge congratulations to all of you. Thank you. So much of love and appreciation all over. I'd like to take this moment to ask you all a few questions. And to begin with, I'll start with Siddharth, who's currently basking in the love of his audience. Finally. So we are in the age where content is cutting across geographical and language boundaries and being celebrated world over, especially thanks to Netflix's massive global reach. Maharaj has done this now and you are the captain of the ship. What do you think led to this fleet for the film that it's received so much love across the world? I think subjects which are rooted, culturally rooted in your ethos, but with themes and emotional themes that are globally relevant. So while Maharaj is a true story, it's culturally rooted and that ethos is there, but the theme or the emotion cuts across to any human, you know, all over, and that's what's connected globally, I think so, because the film came with no, you know, it just came on the platform. It had nothing, no publicity, no trailer, nothing. So it's the pure power of the content that globally it is now being recognized and loved, and we're very, very thankful to everybody who's seen it, and those who've not seen it, we're waiting for them to see it too. You have a very eclectic cast, like we can see, and they've received love from all quarters. As a director, Tell us about the process of handpicking these people for playing the wonderful characters they did in Maharaj. And of course, we didn't say that you have the perfect dream team. I absolutely do, and that credit goes to Adi. Completely, he's the captain of the ship. He's the captain of all of us. And this film, my first film, Hichki, which I tried to make, was never being made. It was made thanks to Adi. This film also, he believed in us, believed in the script, and allowed me to tell the story. So first salutations to him. The casting, I think, let me start with Junu, Junel. He and me had met before, and then I saw a screen test of his for a film. So we didn't want a typical film hero. If we got him, he was 23, he was very raw, he was very, very real, very honest. And I've said that in many interviews. I feel that Junaid is a very real, honest, and sincere and earnest person. I've known him for 4 years more now, and he's the same person. So a lot of what we wanted for Karsan Das, I got in Junaid. We didn't know he would say yes or no. This is not a typical star kid launch. We went with the script. We narrated to him in Amritsar. He took a day, and finally when he said yes, we were very, very happy, because we were presenting him not with, you know, action and dancing and all of that kind of stuff. We were presenting him with a dhoti and a kurta and a moosh, and saying, you know, his first line saying, thodi chutney dena, chutney kya mangli tune to jaad bata di. So it's not a typical conventional heroes ke Aamir Khan ke bete ki pehli picture aur ji ye aapki first line hogi thi. So very, very thankful that he chose this, and I'm very, very happy and proud that he's getting all the love today. He's on his third film shoot. I know many people who are newcomers who've not even gone on to their second. So I'm very proud of the fact that people have loved him and appreciated him for that. When it came to Maharaj, the title,
the only person we could think of, and God bless his soul, is Irfan Khan. There's nobody else who could play this role but Irfan Khan. And I don't think, and I keep telling Jaideep sir that again and again, it's too much pressure for him, I know. But I feel there's only one actor in this entire universe of country who can match that level of performance, and that is Jaideep Alawade. He can do anything. He can literally do anything. He's one of the best actors we have undoubtedly in the country. So again, convincing him for Maharaj was a tough one because initially he said, no, this is a tough role, I don't know how I'm going to play it. Then we had to do a narration with him, explain to him what our take on Maharaj is, why we feel you should play it, and what layers and how we are looking at him. And finally, we are very, very grateful that sir has agreed, and he's getting, rightfully so, all the love that he always gets for every film. Then came Kishori. Shalini had already done Reshmai Jodhar. She was, you know, working. And Adi suggested Shalini to me. And then we did a scene with Junaid. We did a couple of scenes to see how the chemistry goes. Does she? We did some dance rehearsals because she had an entire dance song. To just catch Kishori right, because Kishori is part of society that was blind faith. That believed what is being done is correct. And that was the name of the game then. Very, very, so it's a very tough role to play. You know, it's every scene, though it's few scenes, but those scenes are why Karsan does what he does. So to feel that and to get that was very, very important. And luckily, Shalini has delivered as an actor of our excellence in the film. And I'm really, really happy that she did it. And then, of course, the firebrand and the entertainment quotient and our special appearance and everything. Because whenever we read Viraj and we would laugh. And we knew that Viraj is a girl who is totally opposite to Kishori. If Kishori believes in blind faith, Viraj is very, very aware of what she stands for and what Karzan stands for. Which is why my favorite scene in the film even is the scene where he says, kiske liye ladu, and he says, har us aurat ke liye jiski gale mein cheek atki hai. And she mentions that so that everybody who does not become Kishori and gets to Viraj, you've got to fight for that, or hamari ladai isse bhi badi. So for me, the way, and then getting the Kathiyawadi accent is very tough. It's very, very, very tough. So thanks to Sneha, who is our writer. We've done multiple readings with Sneha, with Junaid, with Shalini, with Sharvari. And the way Sneha would read it, and the way Sharvari has worked hard to understand Gujarati first. I remember she calling me and saying, sir, I'm hearing Gujarati tapes. I'm seeing Gujarati films. I'm trying to imbibe the character. And then finally landing Viraj, and for the love that she's getting, I'm really, really grateful. Many congratulations for Munjia as well, for a super hit over there. So we've got two hits in a row for her. Great. Thank you. Wow. They deserve a round of applause, guys. Come on. That's beautiful. Going on to Jaideep, I think everyone in this room is going to agree with me that you're a chameleon and you transform yourself into the character you play. You're loved unanimously every time you come up with a project. Has it sunk in yet, Jaideep, that India and the global audiences love when they hear about a project and they are going to watch your performance soon? Wow. Too much. I don't know, sunk in hua ki nahi hua, but I'm really, really thankful to Adi sir, Siddharth bhai, and this amazing cast. I think ho jata hai jab aapki team bahut achhi hoti hai. Sneha ne achhi line ne likhti, Maxima ne achhe kapde pehna diye, aur phir aapke aas paas amazing actors hain, aapka director bahut sorted hai, usko pata hai usko kya chahiye. And then you just put your heart and soul, try to make it believable to the audience, whatever is on the paper, and pray that hopefully it goes through, it reaches out to the audience in the right manner. Yeah. You've obviously set the bar very high for acting. We would love to know, is there an actor in India or in the West that you really idealize their work or their journey and you'd like to share it with us, and why?
आई डोंट नो, मुझे लगता है कि ये चलता रहता है. जब आप जब फिल्म शूट में आए थे तब कुछ और सोचते थे एक्टिंग को लेके, फिर जब काम करना शुरू किया एज एन एक्टर तो आपको समझ में आता है कि इट्स नॉट अबाउट थियरी और इट्स अबाउट डूइंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा और स्टेज. तो उस जर्नी में बहुत सारे एक्टर्स डायरेक्टर्स आपको इंस्पायर करते हैं आई एम श्योर. बट इफ आई वुड से फ्यू नेम्स इन इंडियन सिनेमा, नसीर भाई, ओम पुरी जी, बट आई थिंक माई ऑल टाइम फेवरेट इज़ इरफान साहब एंड तब्बू मैम. बिकॉज आई थिंक इफ यू लुक एट द जर्नीज, इरफान साहब ही वॉज डूइंग समथिंग अमेजिंग इन लाइक 30 ईयर्स अगो एंड नोबडी कुड अंडरस्टैंड वॉट ही वॉज डूइंग. आई हर्ड समवेयर from his classmate from FTA NSD that he used to be on stage and to unko ye bola jata tha ki tum kuch karte kyun nahi ho, acting kyun nahi karte tum. To matlab bahut zyada is baat ko leke unko bola jata tha ki ye sabse kharab actor hai batch ka, but he was doing something amazing, something very internal, and we could see his you know work throughout. Yeah, he was amazing, always been inspired by him. Of course, Tabu ma'am, amazing. Junaid, over to you. Your debut film, and to find this amount of love and adulation in your debut is definitely a dream come true. A massive debut, and you scored a massive, massive result. So at this moment, tell us, what do you feel with all of this, and as an actor, how does it make you feel? No, it's been a very heartwarming response. I'm so glad that people have watched the film and they're enjoying the film. I'd really like to thank Siddharth sir and Adi sir for considering me for this part and for giving me this opportunity. And I hope I can continue doing good work. Well, it's a tough, tough choice as a debut, and it's a very unconventional debut as well. So tell us, what made you gravitate to choosing this project as your first? You know, I never saw it as an unconventional debut. I've been hearing that a lot, but I've always found that question very confusing because जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी तो मुझे बहुत पसंद आई थी. सिद्धार्थ सर की पिछली फिल्म हिचकी मुझे बहुत पसंद आई थी. यशराज इज प्रॉबली द बिगेस्ट स्टूडियो इन द कंट्री टुडे. द फिल्म इज इनहेरेंटली ड्रामेटिक. It's not a niche film. It's not really an art film, so to speak. It's a fairly mainstream drama. So I never saw it as a niche film. I never saw it as a odd choice. I thought it was a no-brainer. I never saw it that way. Well, you made the right choice, and we all are here to see that. Shalini, on to you. Being loved so much and having so much love from this project for you, what does it mean to you at this stage in your career in the Hindi film industry? I mean, I'm so happy. I mean, when you get so much love, that's what an actor wants, right? We want so much love. We want all the love. So when somebody appreciates your work and like this team especially, all of us have come together trying to make something that was very special to us, a very special, important project, and tried delivering it in the truest, purest way possible. It's just, you know, when you make and do something with so much love, and you have so much attachment, you would want, you have some expectation, right? You feel that, I hope that this gets received the way we intend it to. And thankfully, it did, and it just feels amazing. It feels accepted, it feels loved, it gives you also a lot of validation, and it gives you better work. So that definitely, and what an amazing performance it was. Thank you. You played this character, Shalini, with a lot of vulnerability, and you won people's hearts. How did you prep for this role, and tell us the sweetest message you received after the release of the film? So first of all, I am really, really grateful to, I was just doing Jayesh Bhai, I finished Jayesh Bhai, and Adi sir told me that he wants to he wants me to do this film, and he sat me down, we were chatting, and he said, can you dance?
I said, I don't know, I think I'm a very good dancer. In my head, I was a really good dancer, okay? And then he said that's... Until you went where you went. And no, I mean, until I started practicing. It was really tough. I mean, my body is not... Like, I don't do a lot of Indian... I've not learned Indian classical, right? So we had to, like, rehearse for 2 months straight for it. And I did an audition for that. So my audition was a dance audition because he was like, Dekh tulu, at least you can dance or not. And then, what I love, my prep got so much easier, I tell you how. Because I was just, the people that I was working with, the technicians I was working with, my director, my writer, my co-actors, we were all just in there, to help each other out. And I feel like how Jaideep sir also said that Maxima ne acche kapde pehna diye. So when you wear these clothes, when you sit with your director and discuss these scenes, and he convinces you and tells you why Kishori is what she is, because of course, you know, I'm not Kishori, I'm not like Kishori, and I would have questions and I would like, why? But and he would sit me down, and with the simplicity and the conviction that he had, you know, it just makes it easy for an actor, I feel. So I might have done like the preps by reading my lines, learning my dialogues, but whatever was done there by my co-actors, by my director, by my writer, by my DOP, everything, it all came together. So that was all a part of my prep. Wonderful. And the sweetest message that you received? You know, I have realized that at this point, the only, praise that really gets me is my dad's call, because he never wanted me to be an actor and I became an actor. So when he calls me and said ki achhi thi, congratulations, literally this with a flat face, I'm like, okay, oh no, not bad, then it's good. Well, Sharvari, you have lit Hello. Up the screen, and how, with your infectious energy, your charm. Tell us about your prep for this role and how you mastered the diction of playing a Gujarati girl. Honestly, firstly, I would love to say thank you to all the audiences who have watched our film aur unhone hame itna dher sara pyar diya. Especially bahut sare logo ne mere diction pe jo Gujarati accent hai jo shor sir ka khel hai us pe bahut use notice kiya aur use itna sara pyar diya. To for me, I think I would first like to say thank you to everyone. Viraj as a character, she was very different somewhere from the whole world, and she's the only character that is doing comedy in the film. So for me, when I read that character, firstly I instantly fell in love with it. I remember being in a narration and even Sid sir saying that I just could see you smile and smile and smile, so I knew that you were definitely doing it. So you know, I was very happy with the character. I was thoroughly entertained in the narration. Of course, our writer Sneha, she's written the dialogues very well, and I think that that's the first credit, because the character is the dialogues, the character is the way she has been written, and especially the khel of sir and shor, which is the most beautiful part. For me to land that correctly, I needed to know Gujarati, I needed to learn it. It is not something that I could have done, because ek hota hai, aap bhasha ko seekhte ho, use seekhne ke baad you have to unlearn it. To be able to get it wrong, because मैं गलत बोल रही हूँ उसमें भी. So I think वो सीख के फिर उसको फिर से उसको तोड़ना सबसे ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए. But of course, Sid sir and I, हमने काफ़ी सारी readings किए. स्नेहा मैम के साथ हम बैठे थे, and she was actually my main, she was my anchor actually with this role, because I am not a Gujarati. She was a Gujarati, she's written it, and I was dependent on her completely to understand this. And of course, as Sid sir said, मैंने बहुत सारी गुजराती films देखी. मेरी बचपन की दो दोस्त हैं गुजराती. I used to actually speak to their moms all the time on a voice call. तो मैं उनको बोलती थी कि आप अगर बात नहीं कर सकते तो एक voice note छोड़ दो. तो I used to get a voice note every morning in Gujarati. So I've really tried to get into the world, and to be very honest, I completely understand the language now. I can speak it little, लेकिन मुझे वो भाषा अभी पूरी समझ में आती है, एंड आई थिंक दैट मुझे एक नई भाषा भी सीखने का मौका मिला, विच इज़ इनक्रेडिबल फॉर मी एज एन एक्टर, एज अ पर्सन. सो या, ये मेरा प्रेप था. वंडरफुल, एंड व्हाट अ मंथ यू हैड. थैंक यू. अ ह्यूज थिएट्रिकल हिट, अ मैसिवली लव्ड फिल्म,
on one of the world's biggest streaming platforms. Tell us something about what you loved most about working on Maharaj. And did you think that your fate was going to be scripted this way? I don't think anybody feels that their fate is scripted in a certain way. We all hope for the best and we all dream big. And I have always had the courage to dream big. And I'm so grateful and glad that I'm being blessed like this by the universe. And it's an overwhelming feeling actually for me. But of course, I think the best part about this film, and I think that everybody says it, is the cast and the crew of the film. Because I remember that जब भी हम लंच ब्रेक होता था everyone used to sit together in a, there was a massive tent and everybody used to sit together. किसी के घर से रोज़ खाना आता था, कोई ना कोई अपने घर से कोई एक स्पेशल डिश या स्पेशलिटी कुछ बना के लेके आते थे, एंड देन द होल टीम यूज़ टू सिट टुगेदर एंड ईट. एंड आई थिंक दैट एज इंडियंस वी आर, यू नो, आप जब साथ में खाना खाते हो तो आई थिंक वो दिल तक पहुँचता है, यू नो. एंड आई थिंक दैट्स हाउ वी स्टार्टेड दिस That's how we started this journey, and it's been incredible to be able to perform with these actors, with the rest of the cast who has been exceptional. Of course, Sid sir, who was the captain of our ship, and an incredible team of technicians. So I think that what I take back with me are a lot of fond memories with some incredible people and a lot of learnings. Thank you so much, and I'd like to open the stage to questions from the media. Please stick to questions only on Maharaj. Anyone would like to start? Yes, ma'am. Ab mujhe dono acceptable hai. Honestly, the thing is that for me this is Junaid and nothing else, because mere liye he's my co-star and a friend, and I think humne saath mein hame kaam karke bahut maza aaya. In fact, hamare scenes bhi bahut mazedar scenes hai is film ke, so I think it was a breather in the film that even we as actors were getting, because we got to really laugh and enjoy and have a great time on set. Mama maasi ka farak to pata nahi, lekin maza bahut aaya. ओके जयदीप, पहले तो पूरी टीम को कंग्रेचुलेशन. दिस इज सिमरन सिंह फ्रॉम डीएनए. मेरा सवाल जयदीप आपसे और शर्वरी आपसे भी है. जयदीप सर, एक एक्टर चाहता है हमेशा एक, यू नो, ही वांट्स टू, यू नो, गालियां और तालियां दोनों सुनने की उसको आदत होती है. तो आपका जो रोल रहा है जे जे महाराज, तालियां तो बहुत मिली होंगी आई एम श्योर, बट ऐसा कोई है जो आपको मिला हो कि भाई आपके कैरेक्टर का रियली हेटेड यू, ऐसा कोई था? आई थिंक वो स्टार्ट वहीं से होती है, तारीफ वहाँ से स्टार्ट होती है कि इतना मन कर रहा था ना तुम्हारा गला पकड़ने का. आई गॉट अ वेरी ब्यूटिफुल कॉल फ्रॉम शिट, नाम ही निकल गया दिमाग से, कहीं और था मैं, सॉरी. सो नहीं, बेसिकली मैक्सिमम चीज़ों पे जब आप कोई भी इस तरह किरदार करते हैं तो उसकी तारीफ वहाँ से शुरू होती है कि आप उसको हेट करना शुरू करते हो. यू रियली डोंट लाइक दैट पर्सन अराउंड दीज पीपल around the world. So yeah, I want to say okay. Sharvari, aap se ek sawal, pehle to congratulations for Munjia, for Maharaj, matlab bahut sahi saal raha aapka, and now you're also leading Alpha, one of the biggest film jo bhi upcoming hai. So this I guess the first female led YRF ka koi film hai. So what is your prep for that? Are you excited, nervous, hectic hai, kya hai, what exactly is it? Honestly, I think प्रेप बहुत ही मज़ेदार है. अल्फा एक ऐसी फिल्म है विच इज़ लेड बाय टू फीमेल्स, एंड ये जो इट्स ऑलमोस्ट लाइक ब्रेकिंग ग्लास सीलिंग्स, और आप पहली बार देख रहे हो कि अ फिल्म हैज़ बीन लेड बाय टू फीमेल्स, स्पेशली इन अ यूनिवर्स, इन द स्पाई यूनिवर्स, जहाँ पे आपने हमेशा बहुत बड़े सुपरस्टार्स को देखा है. ऐसी एक फिल्म मुझे शोल्डर करने का मौका मिल रहा है, टू बी इन द सेम यूनिवर्स एज शाहरुख सर. And to play a journalist or any character, I think the kind of actor he is, he will always give his 100%. Absolutely. My next question goes to you, Sharvari. You are being a like lucky mascot for every movie now, है ना? Sweet. Whichever you do, तो वो तो ऐसा करके ऊपर जाती है कि मतलब आपके मुंह में घी शक्कर. घी शक्कर मत दो यार, थोड़ा डार्क चॉकलेट दे दो. डार्क चॉकलेट. चलो डार्क चॉकलेट.
वेल मैं जानना चाहूंगी, आपने गुजराती एक्सेंट तो सीख लिया फ्रेंड की मम्मियों से बात करके, और गुजराती खाना भी टेस्ट किया, थेपले एंड ऑल? बहुत सारा. हाँ, अब सिर्फ सर को पूछिए. हम गुजरात गए थे टू शूट, एंड माय फेवरेट थिंग वाज अ थाली. आई रिमेम्बर व्हेन वी लैंडेड, जूनियर वर वी टुगेदर, थाली खा चुकी थी. वी लैंडेड, दे सेड कि ओके आप सब यहाँ जा सकते हैं, यहाँ बूफे है. आई सेड हम नहीं जाएंगे, हम सब थाली खाने जाएंगे. एंड आई लुक्ड एट जुनैद एंड आई सेड वेयर डू वी गो, एंड वी हैव जस्ट गॉन. वी हैव हैड द फर्स्ट थाली वी हैड एज सून एज वी लैंडेड इन अहमदाबाद. आफ्टर दैट वी ट्रैवल्ड एंड वी हैड सम थ्री थालीज. आई रिमेंबर दैट इवन ऑन एन ऑफ डे आई हैव गॉन एंड हैड अ ठक्कर का थाली समवेयर इन राजकोट. आई लव गुजराती फूड एंड आई हैव ईटन अ लॉट ऑफ इट. मेरे मुंह में पानी आ रहा है अभी. Now she doesn't eat any food. पर आप सिर्फ डार्क चॉकलेट खा सकते हो, है ना? लेकिन आपके साथ तो खा लूंगी थाली मेरे शो पे. थैंक यू शर्वरी. माय नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू यू जयदीप. मतलब विच एवर फिल्म यू डू, हमें पता होता है जिस भी फिल्म में आप आ रहे हो, जिस भी प्रोजेक्ट में आ रहे हो, उसमें अच्छा कॉन्टेंट हमें मिलेगा ही, वो भी थाली में सर्व होके. सच अ गुड एंड ग्रेट एक्टर यू आर. सो अ हैंड फॉर यू फर्स्ट ऑफ ऑल. कैन वी प्लीज जॉइन आवर हैंड्स टुगेदर एंड पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर जयदीप. वेल आई वांट टू आस्क यू, इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आपने किया है अपनी बॉडी वाइज भी अगर बात करें, डे वन से अब तक की बात करूं, और ये कहां से कर लेते, इतना एफर्टलेसनेस कहां से इससे आता है आपके अंदर? नहीं, वो एफर्ट आपको दिखते नहीं है बस. नहीं नहीं, मैं स्क्रीन पे कह रही हूं, मतलब यू डोंट लाइक लुक लाइक कि आप एक्टिंग भी कर रहे हो, दैट एफर्टलेसनेस. थैंक यू सो मच फॉर दैट. बट फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इट वाज रियली 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 पेनफुल, 5.5 months ऑफ, बट आई थिंक सबसे सही ये रहा कि उस वक्त कोई कुछ कर नहीं रहा था, यहीं इसी ऑफिस के जिम में आते थे 2 बार दिन में, और बाहर कुछ खुला नहीं था, पार्शियल लॉकडाउन था और वो सब चीज़ें थी. थैंक्स टू माय ट्रेनर प्रज्वल शेट्टी, ही इज़ अमेजिंग अमेजिंग गाय. उन्होंने बस मेरे खाने के साथ जो खिलवाड़ किया है बस उसका, वो बहुत पेनफुल था. जयदीप सर थाली नहीं खा पाते थे कभी. नहीं, मैं बहुत फूडी आदमी हूँ, हरियाणा से हूँ, तो घी और पराठे और ये सब, दूध दही. हाँ, थैंकफुली मुझे कोल्ड ड्रिंक्स और मीठे मीठे का उतना शौक नहीं है, बट जो लॉकडाउन में जो आप 10-10 पराठे खाते ना दिन में, सडनली जब वो एक दिन बंद होता है तो आपको लगता है आप पागल हो जाओगे. वो चला 5.5 महीने, और उसी दौरान फिर स्क्रिप्ट की भी तैयारी चली रही थी स्लोली स्लोली. आप पढ़ रहे थे आप साथ में अपने को एक्टर्स के साथ और राइटर्स के साथ, कीप गोइंग इन योर माइंड अबाउट दैट कैरेक्टर दैट इरा. लाइक एक बार मैं बीच में, आई वॉज दो आई न्यू सम सोशल पोलिटिकल बैकग्राउंड इन दैट इरा, कि 1862 में 1800 में क्या चल रहा था, एंड आई वॉज समडे आई वॉज जस्ट एक बार देखता हूँ कि क्या उस वक्त क्या क्या पोलिटिकल और सोशली हो रहा था. देन आई सडनली रियलाइज नो, महाराज डज नॉट केयर कि बाहर क्या चल रहा है, उसका अपनी ही एक दुनिया है, वही का वो भगवान है, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता अंग्रेज राज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बाहर लोग क्या सोशल रिफॉर्म आ रहा है नहीं आ रहा है. तो आई स्टॉप इट, मैंने कहा नहीं अब पढ़ना ही नहीं मुझे, मैं अपनी इसी दुनिया के बारे में सोचता हूँ. एंड देन इट वेंट ऑन एंड ऑन. वो फिर एक दिन फिर वही बात, जब आप ये सब कर रहे हो तो आपको पता नहीं होता है, फिर आप जिस दिन आप वो मेकअप करके कॉस्ट्यूम पहन के खड़े होते हो शीशे में अपने आप को देखते, आपको लगता है कि कुछ अलग होने वाला है. And then you have amazing, amazing co-actors and your director, your team. It just flows. Aha, kuch aisa nahi hai, but there's a beautiful story. You know, his entry scene in the film, we shot almost a year later. By then, he had already moved on to another project and he had put on weight. So I called him and said, Jadeep sir, wo entry scene karni hai. So he said, bhai, I have to put on weight now. Moved on. So I said, no worries, Jadeep sir. I've seen lots of things which happen in VFX. Usme ab dal denge, koi nahi, don't worry. Ye ho jayega. So he said, bhai, pure 5.5 mahine, I have worked, given my life to get that body. I can't start with a fake body in my first scene. Give me 3 months. So I said, bhai, ek din ki shoot hai. It's not that we are going long and long. It's just one day. He said, give me 3 months, I'll get that body back. He took 3 months for one day shoot and got that body back. Wow. We'll take one last question now. Hi. Hi here. All right. My question is to Shalini ma'am. Ek
अगर एक स्टार किड हो तो उसके लिए लॉन्च एक अलग तरीके से होता है एंड बीइंग योर डेब्यू जयंती जस्ट रिपीट द क्वेश्चन इट वाजंट क्लियर आई डिडंट गेट इट आई एम सेइंग व्हेन इट कम्स टू अ लॉन्च ऑफ अ स्टार किड इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट डील यू नॉट बीइंग अ स्टार किड इज अ कंप्लीटली डिफरेंट डील अगेन बट दिस फिल्म बीइंग शॉट सच अ लॉन्ग टाइम अगो अगेन इट्स अ सिमिलर सिचुएशन एज शर्वरी की यू नो आपको भी वेट करना पड़ा था एज वी हैव नॉट सीन यू फॉर सच अ लॉन्ग टाइम नाउ was there a, like you know some kind of pressure was did you feel ki, you know like how is it being such a long journey now the movie wasn't even released yet and now finally that is releasing the kind of responses that you're getting how do you feel about that so actually like Sharvari was saying that we were doing our work I was doing Jayesh Bhai and I did around the lockdown we shot this so I was very happy shooting because people didn't have work in after the lockdown during we were really scared and there were uncertain times but hum kaam kar rahe the to mere liye wahi badi khushi ki baat hai and uske baad bhi I have finished two projects so I was working so again like you know as I think as actors we love being on set hame kaam karna pasand hota hai that's why we do what we do and we get money for that so I mean nothing could be better than that so I mean I was happy that I was working of course I feel this was not in my control I think I can only worry about things that are in my control this is not in my control of course it upsets you sometimes but then you move on I mean I can't do anything about it so I don't worry about it a lot but yes I'm happy that it is out and I'm happy that it's getting the love that we thought and we wanted it to and yeah so thank you so much Well, following the Indian tradition, whenever there's a joyous moment, we have to move meetha karo everyone. So we'll like to cut a cake and celebrate. May we please have the cake? Dark chocolate hai, aap kha sakti hai. Dark chocolate kahi banaya hai. I'll request the cast to please come. I'm coming. For the cake cutting.
क्रेज 14 विलियन फिल्म को बड़ा झटका। प्रभास की कल की 2898 एडी को लेकर तगड़ा बस बना हुआ है। फिल्म को रिलीज हुए 14 दिन हो चुके हैं। प्रभास की फिल्म हर दिन के साथ कई बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बना रही है। जल्द ही फिल्म तीसरे वीकेंड में एंट्री लेने वाली है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि प्रभास की पिक्चर अच्छा परफॉर्म करेगी। हालांकि दुनिया भर से फिल्म को शानदार रिस्पांस मिल रहा है। वर्ल्ड वाइड फिल्म 900 करोड़ का आंकड़ा 2 दिन पहले ही पार कर चुकी है। जल्द ही 1000 करोड़ के क्लब में एंट्री हो जाएगी। हालांकि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को 14 दिन तगड़ा झटका लगा है। नाग अश्विन की फिल्म में 3 अलग अलग दुनिया को दिखाया गया था, जो है काशी कॉम्प्लेक्स और संबाला। हाल ही में उन्होंने इसके सीक्वल को लेकर फैंस को अपडेट दिया था। ऐसी जानकारी भी मिली है कि दूसरे पार्ट में भी प्रभास और अमिताभ बच्चन के बीच टक्कर देखने को मिल सकती है। इस फिल्म में अक्षय थमा वैरवा पर भारी पड़ते हुए नजर आए हैं। प्रभास के कल की 2898 एडी के 14 दिन के आंकड़े सामने आ गए हैं। Sacnings.com की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 14 दिन कुल 7.5 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है, जहां तेलुगु में 1.7 करोड़ छापे गए हैं, तो वही तमिल में 0.55 करोड़, हिंदी में 4.75 करोड़, कन्नड़ में 0.1 करोड़ और मलयालम में 0.4 करोड़ रुपए की कमाई की गई है। हालांकि 13वें दिन के मुकाबले फिल्म की कमाई में 14% की गिरावट देखी गई है। हालांकि फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ये अब तक की सबसे कम कमाई है। इसी के साथ फिल्म ने भारत से कुल 536.75 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है। वही फिल्म ने तेलुगु भाषा में सबसे ज्यादा कमाई की है, जो 252.1 करोड़ रुपए है। वही हिंदी में कुल 229.05 करोड़ रुपए छाप लिए है। बात तमिल, कन्नड़ और मलयालम की करे तो फिल्म ने तमिल में 31.55 करोड़, कन्नड़ में 4.4 करोड़, मलयालम में 19.65 करोड़ की कमाई कर ली है। हालांकि ये सभी भाषाओं का अब तक का कुल कलेक्शन है। साइंस फिक्शन के संसार में माइथोलॉजी का एंगल शानदार फिल्म है कल की 2898 एडी। भारत के सबसे बड़े एपिक महाभारत से निकले किरदार, हिंदी और साउथ सिनेमा के सबसे बड़े स्टार्स और एक कहानी जिसके जबरदस्त एक्शन में इमोशन कभी भी कमजोर नहीं पड़ता। कल की 2898 एडी एक सच्ची इंडियन एपिक फिल्म है। सबसे आइकॉनिक इंडियन फिल्मों को उठाएंगे और उनके रिव्यू देखिए। हर एक भारतीय सिनेमा फैन की नसों में घुल चुकी रमेश सिप्पी की शोले हो या एसएस राजामौली की ऑस्कर विनर आरआरआर, हर फिल्म में कमियां तो मिल ही जाती है, लेकिन इन आइकॉनिक फिल्मों के आइडिया इतने यूनिक और बोल्ड थे, जो इन्हें अपनी तरह का पहला सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट बनाते थे। कल की 2898 एडी भी ऐसी ही फिल्म है, और क्यों है ये यकीन करने के लिए इसे देखना बहुत ही जरूरी है। कल की 2898 एडी ने प्रभास को बाहुबली के बाद अपने स्टारडम का लेवल मैच करने वाला एक रोल दिया है। इसमें महानायक अमिताभ बच्चन को भी किरदार मिला है, जो उनके कद के साथ न्याय करता है। ये फिल्म दीपिका पादुकोण को मिले टाइप इंडियन एक्ट्रेस के टैग को जस्टिफाई करती है और दिखाती है कि कमल हसन को क्यों उलगनायगन यानी यूनिवर्सल स्टार कहा जाता है। पर इन सबसे बढ़कर कल की 2898 एडी इंडियन कल्चर में गहराई से रची बसी ऐसी एपिक कहानी लेकर आई है, जिसे बड़े पर्दे पर देखते हुए सांस थम जाना, पलकें ना झपकाना जैसी फीलिंग महसूस होती है। फिल्म शुरू होती है दुनिया का पहला शहर कहे जाने वाले काशी से, जो अब दुनिया का आखिरी बचा हुआ शहर है। मगर ये शहर भी कितने दिन सांसें ले पाएगा ये तय नहीं है। काशी में उल्टे पिरामिड की शक्ल के एक कॉम्प्लेक्स का दरवाजा है, जहां पानी, साफ हवा, फल फूल जैसे सारे नेचुरल रिसोर्स तबाह हो रही दुनिया के लोगों के लिए कल की 2898 एडी के लीड किरदार वैरव के लिए ये कॉम्प्लेक्स एक सपना है। ये संसार के अंतिम तमाशे से लोगों को बचा पाने वाला एक मॉडर्न मोक्ष है। काशी के डिस्टोपियन संसार की करंसी का नाम है यूनिट, और कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए या तो 1 मिलियन यूनिट्स चाहिए या फिर वहां के सर्वे शर्वा कैप्टन मानस की कृपा। बिना किसी दुनियावी बंधन के सिर्फ अपने लिए जीने वाला वैरव 1 मिलियन यूनिट्स जुटाने की जद्दोजहद में है। कॉम्प्लेक्स का एक डार्क सीक्रेट है, वहां का अपना एक अलग भगवान है सुप्रीम यास्किन। वो खुद किसी बड़े कल की तैयारी में है, जिसके लिए उसे एक
बायोकेमिकल कंपाउंड चाहिए जो 4 महीने प्रेग्नेंट औरतों के शरीर में पाया जाता है, और कोई एक खास महिला एक बच्चे के साथ प्रेग्नेंट होगी जिसके शरीर में मिला है ये कंपाउंड, या स्किन को अति शक्तिशाली बना देगा। इस डिस्टोपियन संसार में अधिकतर महिलाएं इनफर्टाइल होने लगी है, यानी वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, और जो फर्टाइल है कॉम्प्लेक्स उन्हें एक्सपेरिमेंट के लिए रख लेता है। उन्हें आर्टिफिशियली गर्भवती किया जाता है और 120 दिन पूरे होने का इंतजार किया है। कंपाउंड मिला तो ठीक है, वरना महिला की जान तो जाती ही है। इस कॉम्प्लेक्स में एक टेस्ट केस SUM-80 माँ बनने को लेकर बहुत ही इमोशनल है और अपनी प्रेगनेंसी छुपाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन उसे नहीं पता कि इस बच्चे का इंतजार सिर्फ उसी को नहीं एक पूरे संसार को है, जो कॉम्प्लेक्स की नजरों से छिपाए रहस्यमय संसार है सवाला, जहाँ के लोग अभी भी ईश्वर जैसी चीज में आस्था रखे हुए है। वह अब कॉम्प्लेक्स में एंट्री के लिए SUM-80 को पकड़कर मानस के हवाले करना चाहता है। मानस खुद भी उसकी तलाश में जुटा हुआ है और यस्किन का पूरा प्रोजेक्ट के इसी पर बेस्ड है, मगर इन सब के रास्ते में एक रक्षक है जो सैकड़ों सालों से सिर्फ इस बच्चे की रक्षा करने के मकसद से इंतजार कर रहा है। अश्वत्थामा, कौन आपने मकसद में कामयाब होगा और कौन नहीं? प्रचीन योद्धा अश्वत्थामा क्यों इस बच्चे की रक्षा करने में इतना डटा हुआ है? एक प्राचीन संसार से इस डिस्टोपियन संसार तक प्राचीन शक्तियों के खेल में क्या वैरव सिर्फ एक सेल्फिश बाउंटी हंटर भड़ है? ये सारे जवाब फिल्म देखने पर अनलॉक होते हैं, और जिस तरह से खुलते हैं उसे देखकर आपका मुंह खुला रह जाएगा। कल की 1980 के पहले फ्रेम से डायरेक्टर नागाश्वी ने एक दिलचस्प संसार रचा है। डिस्टोपियन वर्ल्ड की सेटिंग में काशी की डिटेल सारे रिपोर्ट से भरपूर कॉम्प्लेक्स का हाईटेक संसार इंटरेस्टिंग लगता है। वैरव का बाउंटी हंटर परसोना इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन फर्स्ट हाफ में उसकी पूरी स्टोरी और कॉमेडी थोड़ा सा पकाते हैं। इसे एंजॉय करने के लिए प्रभास फैन होना एक अनिवार्य शर्त है। इंटरवल की तरफ आते हुए समझ आता है कि नागाश्विन ने असल में अपने हीरो और कहानी को सेट करने के लिए पहले से केयरलेस और कुछ हद तक बचकाना माहौल बनाया है। साइंस फिक्शन वाले इस संसार में माइथोलॉजी के एंगल के साथ कमल हसन के आते ही माहौल बदलने लगेगा और आप चेयर पर सीधे बैठने लगेगी। इंटरवल से ठीक पहले अमिताभ बच्चन की एंट्री होती है। फिल्म का माइथोलॉजिकल एंगल यहाँ पर पिक होता है और कहानी का रहस्य पूरा गहरा हो चुका है। कल की 1998 का सारा दम सेकेंड हाफ में ही दिखता है। फर्स्ट हाफ के बनाए प्लेटफॉर्म से फिल्म की कहानी जिस तरह ऊपर उठती है और महाभारत के युद्ध से होते हुए अभी के किरदारों में खोलती है, उसे देखते हुए सांस थम लेने वाली फीलिंग महसूस होती है। फिल्म का क्लाइमैक्स बिल्कुल अकल्पनीय और अद्भुत है। आखिरी के आधे घंटे में आपको महाभारत की झलक या प्रभास के किरदार का बड़ा ट्विस्ट और कुछ बेहद शानदार कैमियो देखने को मिलते हैं। एक बाहुबली कॉलबैक फर्स्ट हाफ में भी है जिसे देखकर मजा आता है। नागाश्विन के मॉडर्न सिनेमा टेक्निक से जनरेटेड विजुअल्स के जरिए माइथोलॉजी को जिस तरह डेवलप किया है उसके लिए तारीफ बनती है। फर्स्ट हाफ के बीच में खींची हुई स्पीड और गैर जरूरी सीन्स में बर्बाद हुआ टाइम छोड़ दे तो कल की 1980 एक जबरदस्त एंटरटेनिंग फिल्म है। सेकेंड हाफ में फिल्म ऐसी दमदार हो जाती है कि आपका ध्यान जरा भी नहीं भटकता। कल की 1980 के विजुअल से तो बहुत ही इम्प्रेसिव, लेकिन VFX में अभी भी सुधार की थोड़ी सी गुंजाइश नजर आती है, खासकर उन हिस्सों में जहाँ किरदार हवा में उड़ते दिखते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा लैग फील होता है। हिंदी में फिल्म की डबिंग ठीक ठाक है, लेकिन डायलॉग्स पर ट्रांसलेशन का असर दिखता है। कई लाइनें एकदम एफर्टलेस नहीं फील होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे फिल्म देखने के एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा प्रभावित हो। संतोष नारायण का म्यूजिक स्टोरी टेलिंग को वो पूरा माहौल देता है जो इस तरह की फिल्म को चाहिए था। हालांकि गानों में म्यूजिक तो अच्छा है, लेकिन लिरिक्स और बेहतर होता तो और ज्यादा दमदार माहौल बनता। अमिताभ बच्चन का अपीयरेंस, उनके किरदार की राइटिंग और उनका खुद का शानदार काम देखकर आपको 70s और 80s की वो झलक मिलेगी जब अमिताभ बड़े पर्दे पर राज करते थे। वैसे कल की 1980 को अगर एक्ट्रेस के हिसाब से देखे तो अमिताभ की फिल्म ज्यादा है और प्रभास की कम। प्रभास का किरदार आखिरी आधे घंटे में एपिक हो जाता है, हालांकि शुरू से वो अपने किरदार की राइटिंग के साथ पूरी सिंक में दिखते हैं। दीपिका का स्क्रीन टाइम कम है, मगर ये उनके रोल की डिमांड है। वो जब स्क्रीन पर होती है अपने एंड पर दमदार लगती है।
कमल हसन के रोल को लंबा कैमियो कहा जाता है, मगर फिल्म में उनका हर मोमेंट आपको एक टेंशन फील कराता है। उन्होंने यस्किन को एक भयानक विलन बना दिया है। पोस्ट क्रेडिट सीन में तो उन्हें देखकर आप सन्न रह जाएंगे। शाश्वत चैटर्जी ने अपने नेगेटिव रोल में जिस ठहराव के साथ एकदम भावना शून्य एक्ट किया है वो इम्प्रेसिव है। कल की 2898 को इस बात के लिए थिएटर्स में देखा जाना चाहिए कि आज की विजुअल लैंग्वेज इंडियन कल्चर की ग्रेटनेस को कितना शानदार दिखा सकती है। फिल्म के पहले एक घंटे को थोड़े से सब्र के साथ देखने के बाद आपको वो ग्रैंड तमाशा देखने को मिलता है जिसकी उम्मीद फिल्म के फर्स्ट लुक से ही आपको रही होगी। हमने इंडिया में ऐसी फिल्म बना ली है, ये यकीन करने के लिए कल की 2898 जरूर देखे जाने लायक फिल्म है। कम हो रहा प्रभास की कल की 2898 का क्रेज, 14वें दिन फिल्म को बड़ा झटका। प्रभास की कल की 2898 को लेकर तगड़ा बस बना हुआ है। फिल्म को रिलीज हुए 14 दिन हो चुके हैं। प्रभास की फिल्म हर दिन के साथ कई बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बना रही है। जल्द ही फिल्म तीसरे वीकेंड में एंट्री लेने वाली है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि प्रभास की पिक्चर अच्छा परफॉर्म करेगी। हालांकि दुनिया भर से फिल्म को शानदार रिस्पांस मिल रहा है। वर्ल्ड वाइड फिल्म 900 करोड़ का आंकड़ा 2 दिन पहले ही पार कर चुकी है। जल्द ही 1000 करोड़ के क्लब में एंट्री हो जाएगी। हालांकि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को 14वें दिन तगड़ा झटका लगा है। नाग अश्विन की फिल्म में 3 अलग अलग दुनिया को दिखाया गया था, जो है काशी कॉम्प्लेक्स और संबाला। हाल ही में उन्होंने इसके सीक्वल को लेकर फैंस को अपडेट दिया था। ऐसी जानकारी भी मिली है कि दूसरे पार्ट में भी प्रभास और अमिताभ बच्चन के बीच टक्कर देखने को मिल सकती है। इस फिल्म में अक्षय थमा वैरवा पर भारी पड़ते हुए नजर आए हैं। प्रभास की कल की 2898 के 14वें दिन के आंकड़े सामने आ गए हैं। sakning.com की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 14वें दिन कुल 7.5 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है, जहां तेलुगु में 1.7 करोड़ छापे गए हैं, तो वही तमिल में 0.55 करोड़, हिंदी में 4.75 करोड़, कन्नड़ में 0.1 करोड़ और मलयालम में 0.4 करोड़ रुपए की कमाई की गई है। हालांकि 13वें दिन के मुकाबले फिल्म की कमाई में 14% की गिरावट देखी गई है। हालांकि फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ये अब तक की सबसे कम कमाई है। इसी के साथ फिल्म ने भारत से कुल 536.75 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है। वही फिल्म ने तेलुगु भाषा में सबसे ज्यादा कमाई की है, जो 252.1 करोड़ रुपए है। वही हिंदी में कुल 229.05 करोड़ रुपए छाप लिए है। बात तमिल, कन्नड़ और मलयालम की करें तो फिल्म ने तमिल में 31.55 करोड़, कन्नड़ में 4.4 करोड़, मलयालम में 19.65 करोड़ की कमाई कर ली है। हालांकि ये सभी भाषाओं का अब तक का कुल कलेक्शन है। साइंस फिक्शन के संसार में माइथोलॉजी का एंगल शानदार फिल्म है कल की 2898 AD। भारत के सबसे बड़े एपिक महाभारत से निकले किरदार, हिंदी और साउथ सिनेमा के सबसे बड़े स्टार्स और एक कहानी जिसके जबरदस्त एक्शन में इमोशन कभी भी कमजोर नहीं पड़ता। कल की 2898 AD एक सच्ची इंडियन एपिक फिल्म है। सबसे आइकॉनिक इंडियन फिल्मों को उठाएंगे और उनके रिव्यू देखिए। हर एक भारतीय सिनेमा फैन की नसों में घुल चुकी रमेश सिप्पी की शोले हो या SS राजामौली की ऑस्कर विनर RRR, हर फिल्म में कमियां तो मिल ही जाती है, लेकिन इन आइकॉनिक फिल्मों के आइडिया इतने यूनिक और बोल्ड थे जो इन्हें अपनी तरह का पहला सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट बनाते थे। कल की 2898 AD भी ऐसी ही फिल्म है, और क्यों है ये यकीन करने के लिए इसे देखना बहुत ही जरूरी है। कल की 2898 AD ने प्रभास को बाहुबली के बाद अपने स्टारडम का लेवल मैच करने वाला एक रोल दिया है। इसमें महानायक अमिताभ बच्चन को भी किरदार मिला है जो उनके कद के साथ न्याय करता है। ये फिल्म दीपिका पादुकोण को मिले टाइप इंडियन एक्ट्रेस के टैग को जस्टिफाई करती है और दिखाती है कि कमल हसन को क्यों उलगना यागन यानी यूनिवर्सल स्टार कहा जाता है। पर इन सबसे बढ़कर कल की 2898 AD इंडियन कल्चर में गहराई से रची बसी ऐसी एपिक कहानी लेकर आई है जिसे बड़े पर्दे पर देखते हुए सांस थम जाना, पलकें ना झपकाना जैसी फीलिंग महसूस होती है। फिल्म शुरू होती है दुनिया का पहला शहर कहे जाने वाले काशी से, जो अब दुनिया का आखिरी बचा हुआ शहर है। मगर ये शहर भी कितने दिन
सांसें ले पाएगा ये तय नहीं है। काशी में उल्टे पिरामिड की शक्ल के एक कॉम्प्लेक्स का दरवाजा है जहां पानी, साफ हवा, फल फूल जैसे सारे नेचुरल रिसोर्स से तबाह हो रही दुनिया के लोगों के लिए कल की 2098 AD के लीड किरदार वैरव के लिए ये कॉम्प्लेक्स एक सपना है। ये संसार के अंतिम तमाशे से लोगों को बचा पाने वाला एक मॉडर्न मोक्ष है। काशी के डिस्टोपियन संसार की करंसी का नाम है यूनिट और कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए या तो 1 मिलियन यूनिट्स चाहिए या फिर वहां के सर्वेश्वर व कैप्टन मानस की कृपा। बिना किसी दुनियावी बंधन के सिर्फ अपने लिए जीने वाला वैरव 1 मिलियन यूनिट जुटाने की जद्दोजहद में है। कॉम्प्लेक्स का एक डार्क सीक्रेट है, वहां का अपना एक अलग भगवान है सुप्रीम यास्किन। वो खुद किसी बड़े कल की तैयारी में है जिसके लिए उसे एक बायोकेमिकल कंपाउंड चाहिए जो 4 महीने प्रेग्नेंट औरतों के शरीर में पाया जाता है और कोई एक खास महिला एक बच्चे के साथ प्रेग्नेंट होगी जिसके शरीर में मिला है ये कंपाउंड या स्किन को अति शक्तिशाली बना देगा। इस डिस्टोपियन संसार में अधिकतर महिलाएं इनफर्टाइल होने लगी है, यानी वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, और जो फर्टाइल है कॉम्प्लेक्स उन्हें एक्सपेरिमेंट के लिए रख लेता है। उन्हें आर्टिफिशियली गर्भवती किया जाता है और 120 दिन पूरे होने का इंतजार किया है। कंपाउंड मिला तो ठीक है, वरना महिला की जान तो जाती ही है। इस कॉम्प्लेक्स में एक टेस्ट केस SUM-80 माँ बनने को लेकर बहुत ही इमोशनल है और अपनी प्रेगनेंसी छुपाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन उसे नहीं पता कि इस बच्चे का इंतजार सिर्फ उसी को नहीं एक पूरे संसार को है। जो कॉम्प्लेक्स की नजरों से छिपा एक रहस्यमय संसार है सवाला, जहाँ के लोग अभी भी ईश्वर जैसी चीज में आस्था रखे हुए हैं। वैरव कॉम्प्लेक्स में एंट्री के लिए SUM-80 को पकड़कर मानस के हवाले करना चाहता है। मानस खुद भी उसकी तलाश में जुटा हुआ है और यस्किन का पूरा प्रोजेक्ट के इसी पर बेस्ड है। मगर इन सब के रास्ते में एक रक्षक है जो सैकड़ों सालों से सिर्फ इस बच्चे की रक्षा करने के मकसद से इंतजार कर रहा है, अश्वत्थामा। कौन आपने मकसद में कामयाब होगा और कौन नहीं? प्रचंड योद्धा अश्वत्थामा क्यों इस बच्चे की रक्षा करने में इतना डटा हुआ है? एक प्राचीन संसार से इस डिस्टोपियन संसार तक प्राचीन शक्तियों के खेल में क्या वैरव सिर्फ एक सेल्फिश बाउंटी हंटर भर है? ये सारे जवाब फिल्म देखने पर अनलॉक होते हैं और जिस तरह से खुलते हैं उसे देखकर आपका मुंह खुला रह जाएगा। कल की 2098 AD के पहले फ्रेम से डायरेक्टर नागाश्वी ने एक दिलचस्प संसार रचा है। डिस्टोपियन वर्ल्ड की सेटिंग में काशी की डिटेल सारे रिपोर्ट से भरपूर कॉम्प्लेक्स का हाईटेक संसार इंटरेस्टिंग लगता है। वैरव का बाउंटी हंटर परसोना इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन फर्स्ट हाफ में उसकी पूरी स्टोरी और कॉमेडी थोड़ा सा पकाते हैं। इसे एंजॉय करने के लिए प्रभास फैन होना एक अनिवार्य शर्त है। इंटरवल की तरफ आते हुए समझ आता है कि नागाश्विन ने असल में अपने हीरो और कहानी को सेट करने के लिए पहले से केयरलेस और कुछ हद तक बचकाना माहौल बनाया है। साइंस फिक्शन वाले इस संसार में माइथोलॉजी के एंगल के साथ कमल हसन के आते ही माहौल बदलने लगेगा और आप चेयर पर सीधे बैठने लगेंगे। इंटरवल से ठीक पहले अमिताभ बच्चन की एंट्री होती है। फिल्म का माइथोलॉजिकल एंगल यहाँ पर पिक होता है और कहानी का रहस्य पूरा गहरा हो चुका है। कल की 2098 AD का सारा दम सेकेंड हाफ में ही दिखता है। फर्स्ट हाफ के बनाए प्लेटफॉर्म से फिल्म की कहानी जिस तरह ऊपर उठती है और महाभारत के युद्ध से होते हुए अभी के किरदारों में खोलती है, उसे देखते हुए सांस थम लेने वाली फीलिंग महसूस होती है। फिल्म का क्लाइमैक्स बिल्कुल अकल्पनीय और अद्भुत है। आखिरी के आधे घंटे में आपको महाभारत की झलक या प्रभास के किरदार का बड़ा ट्विस्ट और कुछ बेहद शानदार कैमियो देखने को मिलते हैं। एक बाहुबली कॉलबैक फर्स्ट हाफ में भी है जिसे देखकर मजा आता है। नागाश्विन के मॉडर्न सिनेमा टेक्निक से जनरेटेड विजुअल्स के जरिए माइथोलॉजी को जिस तरह डेवलप किया है उसके लिए तारीफ बनती है। फर्स्ट हाफ के बीच में खींची हुई स्पीड और गैर जरूरी सीन्स में बर्बाद हुआ टाइम छोड़ दे तो कल की 2098 AD एक जबरदस्त एंटरटेनिंग फिल्म है। सेकेंड हाफ में फिल्म ऐसी दमदार हो जाती है कि आपका ध्यान जरा भी नहीं भटकता। कल की 2098 AD के विजुअल से तो बहुत ही इम्प्रेसिव, लेकिन VFX में अभी भी सुधार की थोड़ी सी गुंजाइश नजर आती है, खासकर उन हिस्सों में जहाँ किरदार हवा में उड़ते दिखते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा लैग फील होता है। हिंदी में फिल्म की डबिंग ठीक ठाक है, लेकिन डायलॉग्स पर ट्रांसलेशन का असर दिखता है। कई लाइनें एकदम
एफर्टलेस नहीं फील होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे फिल्म देखने के एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा प्रभावित हो। संतोष नारायण का म्यूजिक स्टोरी टेलिंग को वो पूरा माहौल देता है जो इस तरह की फिल्म को चाहिए था। हालांकि गानों में म्यूजिक तो अच्छा है, लेकिन लिरिक्स और बेहतर होता तो और ज्यादा दमदार माहौल बनता। अमिताभ बच्चन का अपीयरेंस, उनके किरदार की राइटिंग और उनका खुद का शानदार काम देखकर आपको 70s और 80s की वो झलक मिलेगी जब अमिताभ बड़े पर्दे पर राज करते थे। वैसे कल की 2898 को अगर एक्ट्रेस के हिसाब से देखें तो अमिताभ की फिल्म ज्यादा है और प्रभास की कम। प्रभास का किरदार आखिरी आधे घंटे में एपिक हो जाता है, हालांकि शुरू से वो अपने किरदार की राइटिंग के साथ पूरी सिंक में दिखते हैं। दीपिका का स्क्रीन टाइम कम है, मगर ये उनके रोल की डिमांड है। वो जब स्क्रीन पर होती है अपने एंड पर दमदार लगती है। कमल हसन के रोल को लंबा कैमियो कहा जाता है, मगर फिल्म में उनका हर मोमेंट आपको एक टेंशन फील कराता है। उन्होंने यस्किन को एक भयानक विलन बना दिया है। पोस्ट क्रेडिट सीन में तो उन्हें देखकर आप सन्न रह जाएंगे। शाश्वत चैटर्जी ने अपने नेगेटिव रोल में जिस ठहराव के साथ एकदम भावना शून्य एक्ट किया है वो इम्प्रेसिव है। कल की 2898 को इस बात के लिए थिएटर्स में देखा जाना चाहिए कि आज की विजुअल लैंग्वेज इंडियन कल्चर की ग्रेटनेस को कितना शानदार दिखा सकती है। फिल्म के पहले एक घंटे को थोड़े से सब्र के साथ देखने के बाद आपको वो ग्रैंड तमाशा देखने को मिलता है जिसकी उम्मीद फिल्म के फर्स्ट लुक से ही आपको रही होगी। हमने इंडिया में ऐसी फिल्म बना ली है, ये यकीन करने के लिए कल की 2898 जरूर देखे जाने लायक फिल्म है। कम हो रहा प्रभास की कल की 2898 का क्रेज, 14वें दिन फिल्म को बड़ा झटका। प्रभास की कल की 2898 को लेकर तगड़ा बस बना हुआ है। फिल्म को रिलीज हुए 14 दिन हो चुके हैं। प्रभास की फिल्म हर दिन के साथ कई बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बना रही है। जल्द ही फिल्म तीसरे वीकेंड में एंट्री लेने वाली है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि प्रभास की पिक्चर अच्छा परफॉर्म करेगी। हालांकि दुनिया भर से फिल्म को शानदार रिस्पांस मिल रहा है। वर्ल्ड वाइड फिल्म 900 करोड़ का आंकड़ा 2 दिन पहले ही पार कर चुकी है। जल्द ही 1000 करोड़ के क्लब में एंट्री हो जाएगी। हालांकि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को 14वें दिन तगड़ा झटका लगा है। नाग अश्विन की फिल्म में 3 अलग अलग दुनिया को दिखाया गया था, जो है काशी कॉम्प्लेक्स और संबाला। हाल ही में उन्होंने इसके सीक्वल को लेकर फैंस को अपडेट दिया था। ऐसी जानकारी भी मिली है कि दूसरे पार्ट में भी प्रभास और अमिताभ बच्चन के बीच टक्कर देखने को मिल सकती है। इस फिल्म में अक्षय थमा वैरवा पर भारी पड़ते हुए नजर आए हैं। प्रभास के कल की 2898 के 14वें दिन के आंकड़े सामने आ गए हैं। sackning.com की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 14वें दिन कुल 7.5 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है, जहां तेलुगु में 1.7 करोड़ छापे गए हैं, तो वही तमिल में 0.55 करोड़, हिंदी में 4.75 करोड़, कन्नड़ में 0.1 करोड़ और मलयालम में 0.4 करोड़ रुपए की कमाई की गई है। हालांकि 13वें दिन के मुकाबले फिल्म की कमाई में 14% की गिरावट देखी गई है। हालांकि फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ये अब तक की सबसे कम कमाई है। इसी के साथ फिल्म ने भारत से कुल 536.75 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है। वही फिल्म ने तेलुगु भाषा में सबसे ज्यादा कमाई की है, जो 252.1 करोड़ रुपए है। वही हिंदी में कुल 229.05 करोड़ रुपए छाप लिए है। बात तमिल, कन्नड़ और मलयालम की करें तो फिल्म ने तमिल में 31.55 करोड़, कन्नड़ में 4.4 करोड़, मलयालम में 19.65 करोड़ की कमाई कर ली है। हालांकि ये सभी भाषाओं का अब तक का कुल कलेक्शन है। साइंस फिक्शन के संसार में माइथोलॉजी का एंगल शानदार फिल्म है कल की 2898 AD। भारत के सबसे बड़े एपिक महाभारत से निकले किरदार, हिंदी और साउथ सिनेमा के सबसे बड़े स्टार्स और एक कहानी जिसके जबरदस्त एक्शन में इमोशन कभी भी कमजोर नहीं पड़ता। कल की 2898 AD एक सच्ची इंडियन एपिक फिल्म है। सबसे आइकॉनिक इंडियन फिल्मों को उठाएंगे और उनके रिव्यू देखिए। हर एक भारतीय सिनेमा फैन की नसों में घुल चुकी रमेश सिप्पी की शोले हो या SS राजामौली की ऑस्कर विनर RRR, हर फिल्म में कमियां तो मिल ही जाती है, लेकिन इन आइकॉनिक फिल्मों के आइडिया इतने यूनिक और बोल्ड थे जो
इन्हें अपनी तरह का पहला सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट बनाते थे। कल की 2898 भी ऐसी ही फिल्म है और क्यों है ये यकीन करने के लिए इसे देखना बहुत ही जरूरी है। कल की 2898 ने प्रभास को बाहुबली के बाद अपने स्टारडम का लेवल मैच करने वाला एक रोल दिया है। इसमें महानायक अमिताभ बच्चन को भी किरदार मिला है जो उनके कद के साथ न्याय करता है। ये फिल्म दीपिका पादुकोण को मिले टाइप इंडियन एक्ट्रेस के टैग को जस्टिफाई करती है और दिखाती है कि कमल हसन को क्यों उलगना यागन यानी यूनिवर्सल स्टार कहा जाता है। पर इन सबसे बढ़कर कल की 2898 इंडियन कल्चर में गहराई से रची बसी ऐसी एपिक कहानी लेकर आई है जिसे बड़े पर्दे पर देखते हुए सांस थम जाना पलकें ना झपकाना जैसी फीलिंग महसूस होती है। फिल्म शुरू होती है दुनिया का पहला शहर कहे जाने वाले काशी से जो अब दुनिया का आखिरी बचा हुआ शहर है, मगर ये शहर भी कितने दिन सांसे ले पाएगा ये तय नहीं है। काशी में उल्टे पिरामिड की शक्ल के एक कॉम्प्लेक्स का दरवाजा है जहां पानी साफ हवा फल फूल जैसे सारे नेचुरल रिसोर्स से तबाह हो रही दुनिया के लोगों के लिए कल की 2898 के लीड किरदार वैरव के लिए ये कॉम्प्लेक्स एक सपना है। ये संसार के अंतिम तमाशे से लोगों को बचा पाने वाला एक मॉडर्न मोक्ष है। काशी के डिस्टोपियन संसार की करंसी का नाम है यूनिट और कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए या तो 1 मिलियन यूनिट्स चाहिए या फिर वहां के सर्वे शर्वा कैप्टन मानस की कृपा। बिना किसी दुनियावी बंधन के सिर्फ अपने लिए जीने वाला वैरव 1 मिलियन यूनिट्स जुटाने की जद्दोजहद में है। कॉम्प्लेक्स का एक डार्क सीक्रेट है, वहां का अपना एक अलग भगवान है सुप्रीम यास्किन। वो खुद किसी बड़े कल की तैयारी में है जिसके लिए उसे एक बायोकेमिकल कंपाउंड चाहिए जो 4 महीने प्रेग्नेंट औरतों के शरीर में पाया जाता है और कोई एक खास महिला एक बच्चे के साथ प्रेग्नेंट होगी जिसके शरीर में मिला है ये कंपाउंड या स्किन को अति शक्तिशाली बना देगा। इस डिस्टोपियन संसार में अधिकतर महिलाएं इनफर्टाइल होने लगी है यानी वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती और जो फर्टाइल है कॉम्प्लेक्स उन्हें एक्सपेरिमेंट के लिए रख लेता है। उन्हें आर्टिफिशियली गर्भवती किया जाता है और 120 दिन पूरे होने का इंतजार किया है। कंपाउंड मिला तो ठीक है वरना महिला की जान तो जाती ही है। इस कॉम्प्लेक्स में एक टेस्ट केस SUM-80 माँ बनने को लेकर बहुत ही इमोशनल है और अपनी प्रेगनेंसी छुपाने में कामयाब हो जाती है लेकिन उसे नहीं पता कि इस बच्चे का इंतजार सिर्फ उसी को नहीं एक पूरे संसार को है। जो कॉम्प्लेक्स की नजरों से छिपा एक रहस्यमय संसार है सवाला जहाँ के लोग अभी भी ईश्वर जैसी चीज में आस्था रखे हुए हैं। वैरव कॉम्प्लेक्स में एंट्री के लिए SUM-80 को पकड़कर मानस के हवाले करना चाहता है। मानस खुद भी उसकी तलाश में जुटा हुआ है और यस्किन का पूरा प्रोजेक्ट के इसी पर बेस्ड है, मगर इन सब के रास्ते में एक रक्षक है जो सैकड़ों सालों से सिर्फ इस बच्चे की रक्षा करने के मकसद से इंतजार कर रहा है। अश्वत्थामा कौन आपने मकसद में कामयाब होगा और कौन नहीं? प्रचंड योद्धा अश्वत्थामा क्यों इस बच्चे की रक्षा करने में इतना डटा हुआ है? एक प्राचीन संसार से इस डिस्टोपियन संसार तक प्राचीन शक्तियों के खेल में क्या वैरव सिर्फ एक सेल्फिश बाउंटी हंटर भड़ है? ये सारे जवाब फिल्म देखने पर अनलॉक होते हैं और जिस तरह से खुलते हैं उसे देखकर आपका मुंह खुला रह जाएगा। कल की 2898 के पहले फ्रेम से डायरेक्टर नागाश्वी ने एक दिलचस्प संसार रचा है। डिस्टोपियन वर्ल्ड की सेटिंग में काशी की डिटेल सारे रिपोर्ट से भरपूर कॉम्प्लेक्स का हाईटेक संसार इंटरेस्टिंग लगता है। वैरव का बाउंटी हंटर परसोना इंटरेस्टिंग तो है लेकिन फर्स्ट हाफ में उसकी पूरी स्टोरी और कॉमेडी थोड़ा सा पकाते हैं। इसे एंजॉय करने के लिए प्रभास फैन होना है एक अनिवार्य शर्त है। इंटरवल की तरफ आते हुए समझ आता है कि नागाश्विन ने असल में अपने हीरो और कहानी को सेट करने के लिए पहले से केयरलेस और कुछ हद तक बचकाना माहौल बनाया है। साइंस फिक्शन वाले इस संसार में माइथोलॉजी के एंगल के साथ कमल हसन के आते ही माहौल बदलने लगेगा और आप चेयर पर सीधे बैठने लगेगी। इंटरवल से ठीक पहले अमिताभ बच्चन की एंट्री होती है। फिल्म का माइथोलॉजिकल एंगल यहाँ पर पिक होता है और कहानी का रहस्य पूरा गहरा हो चुका है। कल की 2898 का सारा दम सेकेंड हाफ में ही दिखता है। फर्स्ट हाफ के बनाए प्लेटफॉर्म से फिल्म की कहानी जिस तरह ऊपर उठती है और महाभारत के युद्ध से होते हुए अभी के किरदारों में
खोलती है उसे देखते हुए सांस थम लेने वाली फीलिंग महसूस होती है। फिल्म का क्लाइमैक्स बिल्कुल अकल्पनीय और अद्भुत है। आखिरी के आधे घंटे में आपको महाभारत की झलकियां, प्रभाष के किरदार का बड़ा ट्विस्ट और कुछ बेहद शानदार कैमियो देखने को मिलते हैं। एक बाहुबली कल बैक फर्स्ट हाफ में भी है जिसे देखकर मजा आता है। नाग अश्विन के मॉडर्न सिनेमा टेक्निक से जनरेटेड विजुअल्स के जरिए माइथोलॉजी को जिस तरह डेवलप किया है उसके लिए तारीफ बनती है। फर्स्ट हाफ के बीच में खींची हुई स्पीड और गैर जरूरी सीन्स में बर्बाद हुआ टाइम छोड़ दे तो कल की 2098 AD एक जबरदस्त एंटरटेनिंग फिल्म है। सेकेंड हाफ में फिल्म ऐसी दमदार हो जाती है कि आपका ध्यान जरा भी नहीं भटकता। कल की 2098 AD के विजुअल से तो बहुत ही इम्प्रेसिव, लेकिन VFX में अभी भी सुधार की थोड़ी सी गुंजाइश नजर आती है, खासकर उन हिस्सों में जहां किरदार हवा में उड़ते दिखते हैं, वहां पर थोड़ा सा लैग फील होता है। हिंदी में फिल्म की डबिंग ठीक ठाक है, लेकिन डायलॉग्स पर ट्रांसलेशन का असर दिखता है। कई लाइनें एकदम एफर्टलेस नहीं फील होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे फिल्म देखने के एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा प्रभावित हो। संतोष नारायण का म्यूजिक स्टोरी टेलिंग को वो पूरा माहौल देता है जो इस तरह की फिल्म को चाहिए था। हालांकि गानों में म्यूजिक तो अच्छा है, लेकिन लिरिक्स और बेहतर होता तो और ज्यादा दमदार माहौल बनता। अमिताभ बच्चन का अपीयरेंस, उनके किरदार की राइटिंग और उनका खुद का शानदार काम देखकर आपको 70s और 80s की वो झलक मिलेगी जब अमिताभ बड़े पर्दे पर राज करते थे। वैसे कल की 2098 AD को अगर एक्ट्रेस के हिसाब से देखे तो अमिताभ की फिल्म ज्यादा है और प्रभास की कम। प्रभास का किरदार आखिरी आधे घंटे में एपिक हो जाता है, हालांकि शुरू से वो अपने किरदार की राइटिंग के साथ पूरी सिंक में दिखते हैं। दीपिका का स्क्रीन टाइम कम है, मगर ये उनके रोल की डिमांड है। वो जब स्क्रीन पर होती है अपने एंड पर दमदार लगती है। कमल हसन के रोल को लंबा कैमियो कहा जाता है, मगर फिल्म में उनका हर मोमेंट आपको एक टेंशन फील कराता है। उन्होंने यस्किन को एक भयानक विलन बना दिया है। पोस्ट क्रेडिट सीन में तो उन्हें देखकर आप सन्न रह जाएंगे। शाश्वत चैटर्जी ने अपने नेगेटिव रोल में जिस ठहराव के साथ एकदम भावना शून्य एक्ट किया है वो इम्प्रेसिव है। कल की 2098 AD को इस बात के लिए थिएटर्स में देखा जाना चाहिए कि आज की विजुअल लैंग्वेज इंडियन कल्चर की ग्रेटनेस को कितना शानदार दिखा सकती है। फिल्म के पहले एक घंटे को थोड़े से सब्र के साथ देखने के बाद आपको वो ग्रैंड तमाशा देखने को मिलता है जिसकी उम्मीद फिल्म के फर्स्ट लुक से ही आपको रही होगी। हमने इंडिया में ऐसी फिल्म बना ली है ये यकीन करने के लिए कल की 2098 AD जरूर देखे जाने लायक फिल्म है। कम हो रहा प्रभास की कल की 2898 AD का क्रेज, 14वें दिन फिल्म को बड़ा झटका। प्रभास की कल की 2898 AD को लेकर तगड़ा बस बना हुआ है। फिल्म को रिलीज हुए 14 दिन हो चुके हैं। प्रभास की फिल्म हर दिन के साथ कई बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बना रही है। जल्द ही फिल्म तीसरे वीकेंड में एंट्री लेने वाली है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि प्रभास की पिक्चर अच्छा परफॉर्म करेगी। हालांकि दुनिया भर से फिल्म को शानदार रिस्पांस मिल रहा है। वर्ल्ड वाइड फिल्म 900 करोड़ का आंकड़ा 2 दिन पहले ही पार कर चुकी है। जल्द ही 1000 करोड़ के क्लब में एंट्री हो जाएगी। हालांकि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को 14वें दिन तगड़ा झटका लगा है। नाग अश्विन की फिल्म में 3 अलग अलग दुनिया को दिखाया गया था जो है काशी कॉम्प्लेक्स और संबाला। हाल ही में उन्होंने इसके सीक्वल को लेकर फैंस को अपडेट दिया था। ऐसी जानकारी भी मिली है कि दूसरे पार्ट में भी प्रभास और अमिताभ बच्चन के बीच टक्कर देखने को मिल सकती है। इस फिल्म में अक्षय थमा वैरवा पर भारी पड़ते हुए नजर आए हैं। प्रभास की कल की 2898 AD के 14वें दिन के आंकड़े सामने आ गए हैं। Sacnings.com की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 14वें दिन कुल 7.5 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है, जहां तेलुगु में 1.7 करोड़ छापे गए हैं, तो वही तमिल में 0.55 करोड़, हिंदी में 4.75 करोड़, कन्नड़ में 0.1 करोड़ और मलयालम में 0.4 करोड़ रुपए की कमाई की गई है। हालांकि 13वें दिन के मुकाबले फिल्म की कमाई में 14% की गिरावट देखी गई है। हालांकि फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर बड़ा झटका लगा है क्योंकि ये अब तक की सबसे कम कमाई है। इसी के साथ फिल्म ने भारत से कुल 536.75 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है। वहीं फिल्म ने तेलुगु भाषा में सबसे ज्यादा कमाई की है जो 252.1 करोड़ रुपए है। वहीं हिंदी में कुल 229.05 करोड़ रुपए छाप लिए है। बात तमिल, कन्नड़ और मलयालम की करें तो फिल्म ने तमिल में 31
55 करोड़ कन्नड़ में 4.4 करोड़ मलयालम में 19.65 करोड़ की कमाई कर ली है। हालांकि ये सभी भाषाओं का अब तक का कुल कलेक्शन है। साइंस फिक्शन के संसार में माइथोलॉजी का एंगल शानदार फिल्म है कल की 2898 एडी भारत के सबसे बड़े एपिक महाभारत से निकले किरदार हिंदी और साउथ सिनेमा के सबसे बड़े स्टार्स और एक कहानी जिसके जबरदस्त एक्शन में इमोशन कभी भी कमजोर नहीं पड़ता। कल की 2898 एडी एक सच्ची इंडियन एपिक फिल्म है। सबसे आइकॉनिक इंडियन फिल्मों को उठाएंगे और उनके रिव्यू देखिए। हर एक भारतीय सिनेमा फैन की नसों में घुल चुकी रमेश सिप्पी की शोले हो या एसएस राजामौली की ऑस्कर विनर आरआरआर, हर फिल्म में कमियां तो मिल ही जाती है, लेकिन इन आइकॉनिक फिल्मों के आइडिया इतने यूनिक और बोल्ड थे जो इन्हें अपनी तरह का पहला सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट बनाते थे। कल की 2898 भी ऐसी ही फिल्म है और क्यों है ये यकीन करने के लिए इसे देखना बहुत ही जरूरी है। कल की 2898 ने प्रभास को बाहुबली के बाद अपने स्टारडम का लेवल मैच करने वाला एक रोल दिया है। इसमें महानायक अमिताभ बच्चन को भी किरदार मिला है जो उनके कद के साथ न्याय करता है। ये फिल्म दीपिका पादुकोण को मिले टाइप इंडियन एक्ट्रेस के टैग को जस्टिफाई करती है और दिखाती है कि कमल हसन को क्यों उलगना यागन यानी यूनिवर्सल स्टार कहा जाता है। पर इन सबसे बढ़कर कल की 2898 एडी इंडियन कल्चर में गहराई से रची बसी ऐसी एपिक कहानी लेकर आई है जिसे बड़े पर्दे पर देखते हुए सांस थम जाना, पलकें ना झपकाना जैसी फीलिंग महसूस होती है। फिल्म शुरू होती है दुनिया का पहला शहर कहे जाने वाले काशी से जो अब दुनिया का आखिरी बचा हुआ शहर है, मगर ये शहर भी कितने दिन सांसें ले पाएगा ये तय नहीं है। काशी में उल्टे पिरामिड की शक्ल के एक कॉम्प्लेक्स का दरवाजा है जहां पानी, साफ हवा, फल फूल जैसे सारे नेचुरल रिसोर्स से तबाह हो रही दुनिया के लोगों के लिए कल की 2898 एडी के लीड किरदार वैरव के लिए ये कॉम्प्लेक्स एक सपना है। ये संसार के अंतिम तमाशे से लोगों को बचा पाने वाला एक मॉडर्न मोक्ष है। काशी के डिस्टोपियन संसार की करंसी का नाम है यूनिट और कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए या तो 1 मिलियन यूनिट्स चाहिए या फिर वहां के सर्वेश्वरवा कैप्टन मानस की कृपा। बिना किसी दुनियावी बंधन के सिर्फ अपने लिए जीने वाला वैरव 1 मिलियन यूनिट्स जुटाने की जद्दोजहद में है। कॉम्प्लेक्स का एक डार्क सीक्रेट है, वहां का अपना एक अलग भगवान है सुप्रीम यास्किन। वो खुद किसी बड़े कल की तैयारी में है जिसके लिए उसे एक बायोकेमिकल कंपाउंड चाहिए जो 4 महीने प्रेग्नेंट औरतों के शरीर में पाया जाता है और कोई एक खास महिला एक बच्चे के साथ प्रेग्नेंट होगी जिसके शरीर में मिला है ये कंपाउंड या स्किन को अति शक्तिशाली बना देगा। इस डिस्टोपियन संसार में अधिकतर महिलाएं इनफर्टाइल होने लगी है यानी वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती और जो फर्टाइल है कॉम्प्लेक्स उन्हें एक्सपेरिमेंट के लिए रख लेता है। उन्हें आर्टिफिशियली गर्भवती किया जाता है और 120 दिन पूरे होने का इंतजार किया है। कंपाउंड मिला तो ठीक है वरना महिला की जान तो जाती ही है। इस कॉम्प्लेक्स में एक टेस्ट केस SUM-80 माँ बनने को लेकर बहुत ही इमोशनल है और अपनी प्रेगनेंसी छुपाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन उसे नहीं पता कि इस बच्चे का इंतजार सिर्फ उसी को नहीं एक पूरे संसार को है जो कॉम्प्लेक्स की नजरों से छिपाए रहस्यमय संसार है सवाला, जहाँ के लोग अभी भी ईश्वर जैसी चीज में आस्था रखे हुए हैं। वैरव कॉम्प्लेक्स में एंट्री के लिए SUM-80 को पकड़कर मानस के हवाले करना चाहता है। मानस खुद भी उसकी तलाश में जुटा हुआ है और यह स्कीम का पूरा प्रोजेक्ट के इसी पर बेस्ड है, मगर इन सब के रास्ते में एक रक्षक है जो सैकड़ों सालों से सिर्फ इस बच्चे की रक्षा करने के मकसद से इंतजार कर रहा है। अश्वत्थामा कौन आपने मकसद में कामयाब होगा और कौन नहीं? प्रचीन योद्धा अश्वत्थामा क्यों इस बच्चे की रक्षा करने में इतना डटा हुआ है? एक प्राचीन संसार से इस डिस्टोपियन संसार तक प्राचीन शक्तियों के खेल में क्या वैरव सिर्फ एक सेल्फिश बाउंटी हंटर भर है? ये सारे जवाब फिल्म देखने पर अनलॉक होते हैं और जिस तरह से खुलते हैं उसे देखकर आपका मुंह खुला रह जाएगा। कल की 2898 एडी के पहले फ्रेम से डायरेक्टर नाग अश्वी ने एक दिलचस्प संसार रचा है। डिस्टोपियन वर्ल्ड की सेटिंग में काशी की डिटेल सारे रिपोर्ट से भरपूर कॉम्प्लेक्स का हाईटेक संसार इंटरेस्टिंग लगता है। वैरव का बाउंटी हंटर पर्सोना इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन फर्स्ट हाफ में उसकी पूरी स्टोरी और
कॉमेडी थोड़ा सा पकाते हैं। इसे एंजॉय करने के लिए प्रभास फैन होना है एक अनिवार्य शर्त है। इंटरवल की तरफ आते हुए समझ आता है कि नाग अश्विन ने असल में अपने हीरो और कहानी को सेट करने के लिए पहले से केयरलेस और कुछ हद तक बचकाना माहौल बनाया है। साइंस फिक्शन वाले इस संसार में माइथोलॉजी के एंगल के साथ कमल हसन के आते ही माहौल बदलने लगेगा और आप चेयर पर सीधे बैठने लगेंगे। इंटरवल से ठीक पहले अमिताभ बच्चन की एंट्री होती है। फिल्म का माइथोलॉजिकल एंगल यहां पर पिक होता है और कहानी का रहस्य पूरा गहरा हो चुका है। कल की 2898 का सारा दम सेकेंड हाफ में ही दिखता है। फर्स्ट हाफ के बनाए प्लेटफॉर्म से फिल्म की कहानी जिस तरह ऊपर उठती है और महाभारत के युद्ध से होते हुए अभी के किरदारों में खोलती है, उसे देखते हुए सांस थम लेने वाली फीलिंग महसूस होती है। फिल्म का क्लाइमैक्स बिल्कुल अकल्पनीय और अद्भुत है। आखिरी के आधे घंटे में आपको महाभारत की झलक या प्रभास के किरदार का बड़ा ट्विस्ट और कुछ बेहद शानदार कैमियो देखने को मिलते हैं। एक बाहुबली कॉलबैक फर्स्ट हाफ में भी है जिसे देखकर मजा आता है। नाग अश्विन की मॉडर्न सिनेमा टेक्निक से जनरेटेड विजुअल्स के जरिए माइथोलॉजी को जिस तरह डेवलप किया है उसके लिए तारीफ बनती है। फर्स्ट हाफ के बीच में खींची हुई स्पीड और गैर जरूरी सीन्स में बर्बाद हुआ टाइम छोड़ दे तो कल की 2898 एक जबरदस्त एंटरटेनिंग फिल्म है। सेकेंड हाफ में फिल्म ऐसी दमदार हो जाती है कि आपका ध्यान जरा भी नहीं भटकता। कल की 2898 के विजुअल्स है तो बहुत ही इम्प्रेसिव, लेकिन वीएफएक्स में अभी भी सुधार की थोड़ी सी गुंजाइश नजर आती है, खासकर उन हिस्सों में जहाँ किरदार हवा में उड़ते दिखते हैं वहाँ पर थोड़ा सा लैग फील होता है। हिंदी में फिल्म की डबिंग ठीक ठाक है लेकिन डायलॉग्स पर ट्रांसलेशन का असर दिखता है। कई लाइनें एकदम एफर्टलेस नहीं फील होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे फिल्म देखने के एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा प्रभावित हो। संतोष नारायण का म्यूजिक स्टोरी टेलिंग को वो पूरा माहौल देता है जो इस तरह की फिल्म को चाहिए था। हालांकि गानों में म्यूजिक तो अच्छा है लेकिन लिरिक्स और बेहतर होता तो और ज्यादा दमदार माहौल बनता। अमिताभ बच्चन का अपीयरेंस, उनके किरदार की राइटिंग और उनका खुद का शानदार काम देखकर आपको 70s और 80s की वो झलक मिलेगी जब अमिताभ बड़े पर्दे पर राज करते थे। वैसे कल की 2898 को अगर एक्ट्रेस के हिसाब से देखें तो अमिताभ की फिल्म ज्यादा है और प्रभास की कम। प्रभास का किरदार आखिरी आधे घंटे में एपिक हो जाता है, हालांकि शुरू से वो अपने किरदार की राइटिंग के साथ पूरी सिंक में दिखते हैं। दीपिका का स्क्रीन टाइम कम है मगर ये उनके रोल की डिमांड है। वो जब स्क्रीन पर होती है अपने एंड पर दमदार लगती है। कमल हसन के रोल को लंबा कैमियो कहा जाता है मगर फिल्म में उनका हर मोमेंट आपको एक टेंशन फील कराता है। उन्होंने यस्किन को एक भयानक विलन बना दिया है। पोस्ट क्रेडिट सीन में तो उन्हें देखकर आप सन्न रह जाएंगे। शाश्वत चैटर्जी ने अपने नेगेटिव रोल में जिस ठहराव के साथ एकदम भावना शून्य एक्ट किया है वो इम्प्रेसिव है। कल की 2898 को इस बात के लिए थिएटर्स में देखा जाना चाहिए कि आज की विजुअल लैंग्वेज इंडियन कल्चर की ग्रेटनेस को कितना शानदार दिखा सकती है। फिल्म के पहले एक घंटे को थोड़े से सब्र के साथ देखने के बाद आपको वो ग्रैंड तमाशा देखने को मिलता है जिसकी उम्मीद फिल्म के फर्स्ट लुक से ही आपको रही होगी। हमने इंडिया में ऐसी फिल्म बना ली है, ये यकीन करने के लिए कल की 2898 जरूर देखे जाने लायक फिल्म है।
क्रेज 14 विलियन फिल्म को बड़ा झटका। प्रभास की कल की 2898 एडी को लेकर तगड़ा बस बना हुआ है। फिल्म को रिलीज हुए 14 दिन हो चुके हैं। प्रभास की फिल्म हर दिन के साथ कई बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बना रही है। जल्द ही फिल्म तीसरे वीकेंड में एंट्री लेने वाली है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि प्रभास की पिक्चर अच्छा परफॉर्म करेगी। हालांकि दुनिया भर से फिल्म को शानदार रिस्पांस मिल रहा है। वर्ल्ड वाइड फिल्म 900 करोड़ का आंकड़ा 2 दिन पहले ही पार कर चुकी है। जल्द ही 1000 करोड़ के क्लब में एंट्री हो जाएगी। हालांकि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को 14 दिन तगड़ा झटका लगा है। नाग अश्विन की फिल्म में 3 अलग अलग दुनिया को दिखाया गया था, जो है काशी कॉम्प्लेक्स और संबाला। हाल ही में उन्होंने इसके सीक्वल को लेकर फैंस को अपडेट दिया था। ऐसी जानकारी भी मिली है कि दूसरे पार्ट में भी प्रभास और अमिताभ बच्चन के बीच टक्कर देखने को मिल सकती है। इस फिल्म में अक्षय थमा वैरवा पर भारी पड़ते हुए नजर आए हैं। प्रभास की कल की 2898 एडी के 14वें दिन के आंकड़े सामने आ गए हैं। sacning.com की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 14वें दिन कुल 7.5 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है, जहां तेलुगु में 1.7 करोड़ छापे गए हैं, तो वही तमिल में 0.55 करोड़, हिंदी में 4.75 करोड़, कन्नड़ में 0.1 करोड़ और मलयालम में 0.4 करोड़ रुपए की कमाई की गई है। हालांकि 13वें दिन के मुकाबले फिल्म की कमाई में 14% की गिरावट देखी गई है। हालांकि फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ये अब तक की सबसे कम कमाई है। इसी के साथ फिल्म ने भारत से कुल 536.75 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है। वही फिल्म ने तेलुगु भाषा में सबसे ज्यादा कमाई की है, जो 252.1 करोड़ रुपए है। वही हिंदी में कुल 229.05 करोड़ रुपए छाप लिए है। बात तमिल, कन्नड़ और मलयालम की करें तो फिल्म ने तमिल में 31.55 करोड़, कन्नड़ में 4.4 करोड़, मलयालम में 19.65 करोड़ की कमाई कर ली है। हालांकि ये सभी भाषाओं का अब तक का कुल कलेक्शन है। साइंस फिक्शन के संसार में माइथोलॉजी का एंगल शानदार फिल्म है कल की 2898 एडी। भारत के सबसे बड़े एपिक महाभारत से निकले किरदार, हिंदी और साउथ सिनेमा के सबसे बड़े स्टार्स और एक कहानी जिसके जबरदस्त एक्शन में इमोशन कभी भी कमजोर नहीं पड़ता। कल की 2898 एडी एक सच्ची इंडियन एपिक फिल्म है। सबसे आइकॉनिक इंडियन फिल्मों को उठाएंगे और उनके रिव्यू देखिए। हर एक भारतीय सिनेमा फैन की नसों में घुल चुकी रमेश सिप्पी की शोले हो या एसएस राजामौली की ऑस्कर विनर आरआरआर, हर फिल्म में कमियां तो मिल ही जाती है, लेकिन इन आइकॉनिक फिल्मों के आइडिया इतने यूनिक और बोल्ड थे, जो इन्हें अपनी तरह का पहला सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट बनाते थे। कल की 2898 एडी भी ऐसी ही फिल्म है, और क्यों है ये यकीन करने के लिए इसे देखना बहुत ही जरूरी है। कल की 2898 एडी ने प्रभास को बाहुबली के बाद अपने स्टारडम का लेवल मैच करने वाला एक रोल दिया है। इसमें महानायक अमिताभ बच्चन को भी किरदार मिला है, जो उनके कद के साथ न्याय करता है। ये फिल्म दीपिका पादुकोण को मिले टाइप इंडियन एक्ट्रेस के टैग को जस्टिफाई करती है और दिखाती है कि कमल हसन को क्यों उल्गनायगन यानी यूनिवर्सल स्टार कहा जाता है। पर इन सबसे बढ़कर कल की 2898 एडी इंडियन कल्चर में गहराई से रची बसी ऐसी एपिक कहानी लेकर आई है, जिसे बड़े पर्दे पर देखते हुए सांस थम जाना, पलकें ना झपकाना जैसी फीलिंग महसूस होती है। फिल्म शुरू होती है दुनिया का पहला शहर कहे जाने वाले काशी से, जो अब दुनिया का आखिरी बचा हुआ शहर है। मगर ये शहर भी कितने दिन सांसें ले पाएगा ये तय नहीं है। काशी में उल्टे पिरामिड की शक्ल के एक कॉम्प्लेक्स का दरवाजा है, जहां पानी, साफ हवा, फल फूल जैसे सारे नेचुरल रिसोर्स से तबाह हो रही दुनिया के लोगों के लिए कल की 2898 एडी के लीड किरदार वैरव के लिए ये कॉम्प्लेक्स एक सपना है। ये संसार के अंतिम तमाशे से लोगों को बचा पाने वाला एक मॉडर्न मोक्ष है। काशी के डिस्टोपियन संसार की करंसी का नाम है यूनिट, और कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए या तो 1 मिलियन यूनिट्स चाहिए या फिर वहां के सर्वेश्वर कैप्टन मानस की कृपा। बिना किसी दुनियावी बंधन के सिर्फ अपने लिए जीने वाला वैरव 1 मिलियन यूनिट्स जुटाने की जद्दोजहद में है। कॉम्प्लेक्स का एक डार्क सीक्रेट है, वहां का अपना एक अलग भगवान है, सुप्रीम यास्किन। वो खुद किसी बड़े कल की तैयारी में है, जिसके लिए उसे एक
बायोकेमिकल कंपाउंड चाहिए जो 4 महीने प्रेग्नेंट औरतों के शरीर में पाया जाता है, और कोई एक खास महिला एक बच्चे के साथ प्रेग्नेंट होगी जिसके शरीर में मिला है ये कंपाउंड या स्किन को अति शक्तिशाली बना देगा। इस डिस्टोपियन संसार में अधिकतर महिलाएं इनफर्टाइल होने लगी है, यानी वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, और जो फर्टाइल है कॉम्प्लेक्स उन्हें एक्सपेरिमेंट के लिए रख लेता है। उन्हें आर्टिफिशियली गर्भवती किया जाता है और 120 दिन पूरे होने का इंतजार किया है। कंपाउंड मिला तो ठीक है, वरना महिला की जान तो जाती ही है। इस कॉम्प्लेक्स में एक टेस्ट केस SUM-80 माँ बनने को लेकर बहुत ही इमोशनल है और अपनी प्रेगनेंसी छुपाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन उसे नहीं पता कि इस बच्चे का इंतजार सिर्फ उसी को नहीं एक पूरे संसार को है। जो कॉम्प्लेक्स की नजरों से छिपा एक रहस्यमय संसार है सवाला, जहाँ के लोग अभी भी ईश्वर जैसी चीज में आस्था रखे हुए हैं। वह अब कॉम्प्लेक्स में एंट्री के लिए SUM-80 को पकड़कर मानस के हवाले करना चाहता है। मानस खुद भी उसकी तलाश में जुटा हुआ है और यस्किन का पूरा प्रोजेक्ट के इसी पर बेस्ड है, मगर इन सब के रास्ते में एक रक्षक है जो सैकड़ों सालों से सिर्फ इस बच्चे की रक्षा करने के मकसद से इंतजार कर रहा है। अश्वत्थामा, कौन आपने मकसद में कामयाब होगा और कौन नहीं? प्रचंड योद्धा अश्वत्थामा क्यों इस बच्चे की रक्षा करने में इतना डटा हुआ है? एक प्राचीन संसार से इस डिस्टोपियन संसार तक प्राचीन शक्तियों के खेल में क्या वैरव सिर्फ एक सेल्फिश बाउंटी हंटर भर है? ये सारे जवाब फिल्म देखने पर अनलॉक होते हैं, और जिस तरह से खुलते हैं उसे देखकर आपका मुंह खुला रह जाएगा। कल की 2019 AD के पहले फ्रेम से डायरेक्टर नागाश्वी ने एक दिलचस्प संसार रचा है। डिस्टोपियन वर्ल्ड की सेटिंग में काशी की डिटेल सारे रिपोर्ट से भरपूर कॉम्प्लेक्स का हाईटेक संसार इंटरेस्टिंग लगता है। वैरव का बाउंटी हंटर परसोना इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन फर्स्ट हाफ में उसकी पूरी स्टोरी और कॉमेडी थोड़ा सा पकाते हैं। इसे एंजॉय करने के लिए प्रभास फैन होना एक अनिवार्य शर्त है। इंटरवल की तरफ आते हुए समझ आता है कि नागाश्विन ने असल में अपनी हीरो और कहानी को सेट करने के लिए पहले से केयरलेस और कुछ हद तक बचकाना माहौल बनाया है। साइंस फिक्शन वाले इस संसार में माइथोलॉजी के एंगल के साथ कमल हसन के आते ही माहौल बदलने लगेगा और आप चेयर पर सीधे बैठने लगेगी। इंटरवल से ठीक पहले अमिताभ बच्चन की एंट्री होती है। फिल्म का माइथोलॉजिकल एंगल यहाँ पर पिक होता है और कहानी का रहस्य पूरा गहरा हो चुका है। कल की 2019 AD का सारा दम सेकेंड हाफ में ही दिखता है। फर्स्ट हाफ के बनाए प्लेटफॉर्म से फिल्म की कहानी जिस तरह ऊपर उठती है और महाभारत के युद्ध से होते हुए अभी के किरदारों में खोलती है, उसे देखते हुए सांस थम लेने वाली फीलिंग महसूस होती है। फिल्म का क्लाइमैक्स बिल्कुल अकल्पनीय और अद्भुत है। आखिरी के आधे घंटे में आपको महाभारत की झलक या प्रभास के किरदार का बड़ा ट्विस्ट और कुछ बेहद शानदार कैमियो देखने को मिलते हैं। एक बाहुबली कॉलबैक फर्स्ट हाफ में भी है जिसे देखकर मजा आता है। नागाश्विन के मॉडर्न सिनेमा टेक्निक से जनरेटेड विजुअल्स के जरिए माइथोलॉजी को जिस तरह डेवलप किया है उसके लिए तारीफ बनती है। फर्स्ट हाफ के बीच में खींची हुई स्पीड और गैर जरूरी सीन्स में बर्बाद हुआ टाइम छोड़ दे तो कल की 2019 AD एक जबरदस्त एंटरटेनिंग फिल्म है। सेकेंड हाफ में फिल्म ऐसी दमदार हो जाती है कि आपका ध्यान जरा भी नहीं भटकता। कल की 2019 AD के विजुअल से तो बहुत ही इम्प्रेसिव, लेकिन VFX में अभी भी सुधार की थोड़ी सी गुंजाइश नजर आती है, खासकर उन हिस्सों में जहाँ किरदार हवा में उड़ते दिखते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा लैग फील होता है। हिंदी में फिल्म की डबिंग ठीक ठाक है, लेकिन डायलॉग्स पर ट्रांसलेशन का असर दिखता है। कई लाइनें एकदम एफर्टलेस नहीं फील होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे फिल्म देखने के एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा प्रभावित हो। संतोष नारायण का म्यूजिक स्टोरी टेलिंग को वो पूरा माहौल देता है जो इस तरह की फिल्म को चाहिए था। हालांकि गानों में म्यूजिक तो अच्छा है, लेकिन लिरिक्स और बेहतर होता तो और ज्यादा दमदार माहौल बनता। अमिताभ बच्चन का अपीयरेंस, उनके किरदार की राइटिंग और उनका खुद का शानदार काम देखकर आपको 70s और 80s की वो झलक मिलेगी जब अमिताभ बड़े पर्दे पर राज करते थे। वैसे कल की 2019 AD को अगर एक्ट्रेस के हिसाब से देखें तो अमिताभ की फिल्म ज्यादा है और प्रभास की कम। प्रभास का किरदार आखिरी आधे घंटे में एपिक हो जाता है, हालांकि शुरू से वो अपने किरदार की राइटिंग के साथ पूरी सिंक में दिखते हैं। दीपिका का स्क्रीन टाइम कम है, मगर ये उनके रोल की डिमांड है। वो जब स्क्रीन पर होती है अपने एंड पर दमदार लगती है।
कमल हसन के रोल को लंबा कैमियो कहा जाता है, मगर फिल्म में उनका हर मोमेंट आपको एक टेंशन फील कराता है। उन्होंने यस्किन को एक भयानक विलन बना दिया है। पोस्ट क्रेडिट सीन में तो उन्हें देखकर आप सन्न रह जाएंगे। शाश्वता चैटर्जी ने अपने नेगेटिव रोल में जिस ठहराव के साथ एकदम भावना शून्य एक्ट किया है वो इम्प्रेसिव है। कल की 2898 को इस बात के लिए थिएटर्स में देखा जाना चाहिए कि आज के विजुअल लैंग्वेज इंडियन कल्चर की ग्रेटनेस को कितना शानदार दिखा सकती है। फिल्म के पहले एक घंटे को थोड़े से सब्र के साथ देखने के बाद आपको वो ग्रैंड तमाशा देखने को मिलता है जिसकी उम्मीद फिल्म के फर्स्ट लुक से ही आपको रही होगी। हमने इंडिया में ऐसी फिल्म बना ली है, ये यकीन करने के लिए कल की 2898 जरूर देखे जाने लायक फिल्म है।